نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم آج کی اس عظیم الشان جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہونے والی عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں میں آپ سب کو، خواتین و حضرات کو شرکت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور محترم المقام پیر بلال چشتی صاحب، حضور خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز کے دربار اقدس سے ان کے خادم خاص وہ تشریف لائے ہیں اجمیر شریف سے، ان کو تمام اہل پاکستان کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم نے یہ پیغام دینے کے لیے آج کی عالمی میلاد کانفرنس کو ختم نبوت کے نام سے منسوب کیا ہے، معنون کیا ہے، یہ بتایا جا سکے کہ کوئی مسلمان ناموس رسالت پر حملے کو برداشت نہیں کر سکتا، مسلمان بھوکا مر سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، اپنی عزت دے سکتا ہے، لٹ سکتا ہے، مگر عقیدہ ختم نبوت کو لٹنے نہیں دے سکتا۔ غریب سے غریب ہو مسلمان، گناہگار سے گناہگار ہو، اعمال میں 100 کمی ہو، ہر چیز اپنی جگہ، مگر اس کے اندر عشق رسول کی ایک تپش ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے ایک غیرت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر ایک تمکن ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ آپ اپنی تخلیق میں، پیدائش میں سب سے پہلے نبی ہیں، خلق میں اور ظہور اور بعثت میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا آپ کے نور کی تخلیق سے ہوئی، اور اس کائنات میں اللہ رب العزت کی آسمانی ہدایت کے نزول کی انتہا اور بعثت اور رسالت اور نبوت کے نظام کا اختتام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ظہور سے ہوا۔ سارا زمانہ اس کائنات کی ابتدا سے اس کائنات کی انتہا تک، جب زمانہ ختم ہو جائے گا، جب وقت نہ رہے گا، جب انسان نہ رہیں گے، مخلوق نہ رہے گی، زمین نہ رہے گی، آسمان نہ رہیں گے، جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، وہ اینڈ، اور جب کائنات میں کچھ نہ تھا، عدم تھا، اور عالم وجود کی ابتدا ہوئی، وہ بگننگ، وہ ابتدا کی حد اور وہ انتہا کی حد، یہ سارے زمانے تاجدار ختم نبوت کی کملی کے نیچے ہیں۔ اس کائنات کو ظہور بھی حضور کے وجود سے ملا، اس کائنات کی بقا بھی حضور کے توسل سے ہے،
इस कायनात में हर कमाल भी हुजूर के तवस्सुल से है। हम जिंदा हुजूर के लिए हैं, हुजूर की वजह से हैं, हम पल रहे हैं, अल्लाह के निजाम रबूबियत के तहत परवरिश पा रहे हैं, उसमें भी वसीला हुजूर का है। हमें सब कुछ मिल रहा है, इसमें भी वसीला हुजूर का है। लिहाजा कलमा गो उसका जीना हलाल नहीं है जब तक वो ताजदार खत्म नबूवत से वफादार होके न जिए। चूंकि सारी कायनात को हर कमाल हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया से मिला, इसलिए कायनात के हर कमाल का मंबा और मसदर और हर कमाल का सरचश्मा हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके मुकाम व मर्तबा को मुख्तलिफ हसीन व जमील तरीकों से बयान किया है, बड़े बड़े अजीब और हसीन और अजीम तरीकों से बयान किया है। मगर उन कुरानी बयानात में से एक अजीब बयान है जो आका अलैहिस्सलाम की शान को जाहिर करता है, और वो है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप खुलुक अज़ीम के मर्तबे पर फायज हैं। ये मेरी अगली जो गुफ्तगू है उस पूरी गुफ्तगू का मौजू है। खुलुक अज़ीम का माना बयान करने के लिए गुफ्तगू यहां से शुरू करता हूं। खुलुक किसको कहते हैं? याद रख लें, खुलुक की जमा है अखलाक। बड़ी तवज्जो से इसका माना समझें। इंसान के अंदर दो किस्मों की खासियतें, सलाहियतें और अफ़ाल का सुदूर होता है। इंसान का जो नफ्स है, इंसान की जो जान है, उसके अंदर कुछ खूबियां तो ऐसी होती हैं जो उसके मिजाज का हिस्सा होती हैं, उन्हें अहवाल तबीईया कहते हैं, तबी अहवाल। मसलन किसी बात पे इंसान को गुस्सा आ जाए और गुस्से में वो आदमी जो उसकी कैफियत हो जाती, कोई परेशानी का लम्हा हो तो इंसान की जिंदगी में एक हैजान और इस्तेराब पैदा हो जाता है। कभी इंसान डाउन हो जाता है अपनी तबीयत में, बुजदिली का इजहार करता है, मायूसी का इजहार करता है। कभी थोड़ी सी आवाज़ सुन के अचानक इंसान घबरा जाता है। कभी किसी अच्छी बात पर मुस्कराता है, खुश होता है। कभी किसी परेशान कुन बात पर इंसान गमजदा हो जाता है। आप समझ गए, इस किस्म के अहवाल आपकी हमारी सबकी जिंदगी में होते हैं। इन अहवाल को तबी अहवाल कहते हैं। ये अखलाक नहीं है, ये अहवाल अखलाक नहीं है। अखलाक वो चीजें हैं जो अहवाल आदिया में आते हैं। वो इंसान अपने नफ्स में अच्छे अफ़आल के लिए, अच्छे आमाल के लिए, अच्छे बर्ताव के लिए, भलाई के लिए, नेकी के लिए, एहसान के लिए, खूबसूरत तर्ज फिक्र के लिए, खूबसूरत तर्ज अमल के लिए, खूबसूरत रवैये के लिए इंसान अपने नफ्स में एक सलाहियत पैदा करता है। अगर वो सलाहियत ऐसी हो कि भलाई का काम, नेकी का काम, अच्छाई का काम उस बंदे को कोशिश करके, मेहनत करके, अपने ऊपर जबर करके, अपने आप को तैयार करके करना पड़े और कर ले, नेक काम करे, ऐसे नेक कामों को अखलाक नहीं कहते, वो खुलुक नहीं है।
खुलुक तब बनता है जब उस बंदे के नफ्स के अंदर एक ऐसी सलाहियत पैदा हो जाए कि वो नेकी के कामों की सहूलत पैदा कर दे बंदे की जिंदगी में, और वो नेकी के काम आसानी से करे, लोगों से भलाई सहूलत के साथ करे, इंसानियत के साथ अच्छाई रवानी के साथ करे, भलाई के लिए, एहसान के लिए, सखावत करने के लिए, दूसरों के साथ खुशगवार ताल्लुक रखने के लिए, मुस्कराने के लिए, दिल को वसी करने के लिए, माफ़ करने के लिए, दरगुजर करने के लिए, दूसरे को इज्जत देने के लिए, कमज़ोर को ताकत देने के लिए, दूसरे के दुख दर्द मिटाने के लिए, जो भी नेक काम इंसान करता है, अगर नफ्स के अंदर ऐसी खूबी पैदा हो जाए कि वो आसानी से करता चला जाए, उसे कोई दिक्कत पेश ना आए, इजाफी कोशिश ना करनी पड़े, तबीयत पर बोझ ना हो, मुश्किल से इंतजाम ना करना पड़े, और रवानी और खुशी से आसानी से नेक काम बंदे की जिंदगी में होने लगे, वो बंदे की तबीयत बन जाए, उसकी तबीयत में नेकी की असल रग़बत पैदा हो जाए, मैलान पैदा हो जाए, और फिर उसमें मजबूती और इस्तेकाम आ जाए, दवाम आ जाए कि उसके खिलाफ बंदा न कर सके, अगर ये हाल नसीब हो जाए बंदे के नफ्स को, तबीयत को, तो उसको अखलाक कहते। उसको अखलाक कहते। तो अखलाक का मतलब यह है कि इंसान के अंदर एक दाइया पैदा हो जाता है, एक कुव्वत पैदा हो जाती है, और उसके तहत बंदा नेक काम, भलाई के काम, एहसान के काम, दरगुजर करने के काम, खुश तबी के काम, खुश खुलकी के काम, इंसानियत की मदद के काम, अल्लाह के दीन की मदद के काम, रिश्तेदारों पर एहसान, पड़ोसियों पर एहसान, गरीबों पर एहसान, कमज़ोरों पर एहसान, मुआशरे पर एहसान, इंसानी ताल्लुकात को खूबसूरत बनाना, ये सारे अमल वो इंसान बग़ैर सोचे समझे, एहतमाम किए और बग़ैर तकल्लुफ़ के अगर इंसान करता चला जाए और उसकी दायमी आदत बन जाए और उसमें कभी न रुकावट आए न तब्दीली आए, ऐसा इस्तेकाम बंदे की तबीयत में आ जाए, तो उसको खुलुक या अखलाक कहते हैं। यहां तक आप बात को समझ गए। ये खुलुक या ये अखलाक, इसकी सलाहियत बंदे में पैदाइशी भी होती है, यानी खिलकत में भी होती है, और बंदा मेहनत करके इक्तिसाब भी करता है, जिंदगी में एक्वायर भी करता है, डेवलप भी करता है। अंबिया और औलिया, अंबिया को और उनके बाद औलिया को अल्लाह पाक हुस्न खुल्क, अच्छे अखलाक की सलाहियत उनके नफ्स में, खिलकत में, तबीयत में पैदाइशी तौर पे वदियत कर देता है। इसलिए अल्लाह के नबी से पैदाइश के दिन से लेकर ऐलान नबुव्वत से कबल के जमाने में भी बद अखलाकी का काम कभी सादिर नहीं हो सकता। यानी नबी ने अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, मैं सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा, तमाम अंबिया की, तमाम अंबिया की बेसत तो होती है, ऐलान नबुव्वत तो होता है खास उम्र के बाद। अभी किसी को यह पता ही नहीं होता कि यह नबी है या नबी होगा, तो वो जो ऐलान नबुव्वत से पहली जिंदगी है, उस जिंदगी में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी खिलकत ऐसे फरमाता है कि वो उस पहली जिंदगी में भी बदखुलकी नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, बखील और कंजूस नहीं होते अल्लाह के नबी, किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, किसी पे जबर नहीं करते,
उनका चेहरा मुस्कराता चेहरा होता है, वो सच्चे लोग होते हैं, वो भलाई करने वाले होते हैं, एहसान करने वाले होते हैं। इंसान उनसे मिलकर फरहत महसूस करता है, खुशी महसूस करता है। वो किसी से नफरत नहीं करते, वो हर एक से मोहब्बत करते हैं। सखावत उनके अंदर होती है, तहारत होती है, पाकीजगी होती है, हिर्स नहीं होता, लालच नहीं होता। ये सारी खूबियाँ अल्लाह पाक जिसको नबी बनाना होता है उसके नफ्स में पैदाइश से ही पैदा कर देता। और अंबिया के बाद निचले दर्जे में फिर ये खूबियां अल्लाह पाक औलिया के अंदर पैदा कर देता, औलिया में। मगर अपनी जिंदगी में औलिया और सालेहीन वो फिर इनको डिवेलप करते रहते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी रियाजत से, अपने मुजाहदा से, अपनी इबादत से, अपनी कोशिश से डिवेलप करते रहते हैं और कमाल तक पहुंचते रहते हैं। इस लिहाज से अखलाक हसना या खुलक खिलकी भी है, यानी फितरत में पैदाइशी भी है और जिंदगी में इक्तिसाबी भी है, यानी एक्वायर्ड भी है। दो, इसलिए बाज़ उलमा ने इस पर बहस की, बाज़ों ने कहा कि ये जिबिल्लत में होता है, इक्तिसाबी नहीं होता। बाज़ों ने कहा इक्तिसाबी एक्वायर्ड होता है, जिबिल्लत में नहीं होता। मगर हकीकत यह है कि इसके दोनों पहलू हैं। और हुस्न अखलाक या हुस्न खुलक, ये कहा गया हदीस पाक में है कि हुस्न अखलाक और इक्तिसाद, मॉडरेशन, बैलेंस, यानी गुड मॉरल्स एंड बैलेंस्ड लाइफ, मॉडरेशन, एतदाल, तबीयत का एतदाल, ये दो चीजें हदीस पाक में है। नबुव्वत का 24वां हिस्सा है, यानी बंदे की तबीयत में एतदाल हो, न इफरात हो ना तफरीत, एतदाल हो, बैलेंस्ड लाइफ हो। और इसी तरह बंदे की तबीयत में खुशखुलकी हो, नरमी हो, वुसअत और सखावत हो, फितरत में भलाई हो, यानी वो बंदा किसी से ज्यादती और बुराई कर ही नहीं सकता, ऐसा उसकी फितरत में भलाई हो। फरमाए ये दो चीज़ें जो हैं, एक हदीस में है नबुव्वत का 25वां हिस्सा है, एक हदीस में 24वां हिस्सा है। मतलब इसका ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के खसाइल में से है, हुस्न अखलाक अंबिया अलैहिस्सलाम के फजाइल में से है। और जिस इंसान को, खुश नसीब को हुस्न अखलाक की खूबियां नसीब हो गईं, वो समझे कि उसने बराह रास्त नबुव्वत का फैज पाया है। अब एक हदीस पाक है जिसको इमाम मुस्लिम ने किताबुल ईमान में रिवायत किया और इमाम तिरमिज़ी ने, हज़रत अबू सईद खुदरी और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। इसको हदीसुल अशज कहते हैं। आका अलैहि सलाम ने उनसे फरमाया अपने सहाबी से, इन्न फीक लखसलतैन युहिब्बुहुमुल्लाहु तआला। आपने फरमाया अपने सहाबी से कि तुम्हारे अंदर दो खसलतें, दो खूबियाँ ऐसी हैं कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। फरमाया अल-हिल्म वल-अनात, दो खूबियां फरमाया तुम्हारे अंदर ऐसी हैं कि अल्लाह ताला उन दो खूबियों से मोहब्बत करता है, और जिस बंदे में वो दो खूबियां हों अल्लाह उस बंदे को अपना महबूब बना लेता। वो दो खूबियां क्या हैं? एक हिल्म और बुर्दबारी, यानी कोई ज्यादती करे उसकी जात पर तो उसे बर्दाश्त कर ले, कोई उससे सख्ती से पेश आए, नाजायज दुरुस्त रवैया रखे तो वो गुस्से में ना आए, रद्द अमल ना करे, बर्दाश्त कर ले। और दूसरा नरमी और मुलातफत, उसकी तबीयत में सख्ती ना हो, अकड़ ना हो वो शख्स,
तबीयत में नरमी हो, मुलातफत हो, शफकत हो, ज़र्फ में दिल में वसअत हो, बर्दाश्त करे दूसरों को। फरमाया ये दो खूबियाँ ऐसी हैं, जिस बंदे में ये दो खूबियाँ हों अल्लाह उस बंदे को अपना महबूब बना लेता। जब सहाबी ने यह सुना तो उन्होंने आका अलैहिस्सलाम से पूछा, काला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदीमन काना औ हदीसन, पूछा या रसूल अल्लाह फरमाइए ये दो खूबियाँ मेरे अंदर पुरानी हैं या अभी नई पैदा हुई हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, कदीम वक्त से हैं, यानी अल्लाह ने तुम्हारी खिलकत में इन खूबियों का बीज रख दिया था और तुमने मेहनत करके उन बीजों को डेवलप किया, पौधे में बनाया, दरख्त बनाया और मुस्तहकम कर दिया, तरक्की दे दी और तुम्हारी सीरत और अखलाक इन खूबियों के साथ मुनव्वर हो गई। इससे उलमा ने और आइम्मा ने यह नुक्ता अख्ज करके बयान किया है कि इस हदीस पाक से साबित हुआ उनका पूछना कि आका ये दो खूबियाँ नई पैदा हुई हैं या शुरू से हैं, पुरानी हैं। इससे बताया कि अखलाक जिबिल्ली भी होता है और मुक्तसब भी होता है, यानी जिबिल्लत में भी होता है कई लोगों की, और कई लोग जिंदगी में मेहनत करके रियाजत करके डेवलप भी करते हैं। जैसे आप वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और जिस्मानी सेहत को बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं, तो जिस तरह जिस्मानी सेहत बेहतर होती है मेहनत से, इसी तरह मेहनत और रियाजत से रूहानी सेहत और अखलाकी सेहत भी बेहतर होती चली जाती। तो गोया सुन लें, ये स्पेस है हमारी जिंदगी में, ये स्पेस है। अल्लाह पाक ने भलाई के बीज हर तबीयत में रखे होते हैं, नेकी के, भलाई के, अच्छे अखलाक के बीज, सीड्स हर शख्स की तबीयत के जमीन में बोए हुए होते हैं, मौजूद होते हैं। अगर आप माली बन जाएं और उनको पानी दें और खाद दें और उस पर मेहनत करें और उनको डेवलप करें, तो वही बढ़कर पौधे बनते हैं और फलदार दरख्त बन जाते हैं, और इंसान की पूरी जिंदगी और सीरत अच्छे अखलाक के साथ रोशन और मुजयन हो जाती है। बीज हर एक में रखे हैं, ये अलग बात है। कोई शख्स मेहनत करता है तो डेवलप कर लेता है, कोई मेहनत नहीं करता तो डेवलप नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता। देखो, आपकी अगर बिनाई कमजोर हो जाए तो उसके लिए भी हम ऐनक लगा लेते हैं, एक एफर्ट करते हैं, कॉम्पनसेट कर लेते हैं। बीमारी हो जाती है तो इलाज करके शिफायाबी करवा लेते हैं। जिस्म कमज़ोर होता है तो मेहनत करके उसको ताकत दे लेते हैं, विटामिन्स देते हैं। जिस तरह जिस्मानी कमज़ोरियों और ख़राबियों के इलाज होते हैं, सिर्फ हमें तवज्जो देनी है, नज़रअंदाज नहीं करना, तवज्जो देनी है। इसी तरह बंदे के नफ्स में जो कोई ख़राबियाँ कमज़ोरियाँ होती हैं, उन्हें भी रियाजत से, अच्छी सोहबत से, अच्छे मुताले से, अच्छे फहम से, अच्छों की सोबत में बैठने से, अच्छों से अच्छाई सीखने से, तवज्जो करने से, मेहनत करने से, रियाजत करने से, बंदा मेहनत और मुजाहदे से उसको डेवलप करता है और कमी कमजोरी को दूर करके शानदार तरीके से कंपनसेट कर देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निज़ाम रखा है। इसी वजह से आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत को तालीम दी और तालीम देते हुए ये फरमाया, दुआ करते थे खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुसनद अहमद बिन हम्बल की हदीस है और सही इबन हिब्बान में अब्दुल्लाह इबन मसूद रावी है, आका अलैहिस्सलाम दुआ करते, अल्लाहुम्मा कमा हसनत खल्की फहसिन खुलुकी। ए अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे, मेरे जिस्म को, मेरे चेहरे को खूबसूरत बनाया है, आप दुआ करते, बारी ताला जिस तरह तूने मेरी शक्ल को खूबसूरती दी है, इसी तरह मेरे अखलाक भी खूबसूरत बना दे।
अब इस दुआ से पता चला कि आपके अखलाक तो पहले ही खूबसूरत थे, मगर जब ये अर्ज करते अल्लाह के हुजूर तो इसका मतलब है इजहार बंदगी करते थे, और फिर जो कमाल नसीब था कमाल पर कमाल हासिल करने की इल्तिजा करते, फिर कमाल पर कमाल हासिल करते, फिर कमाल पर कमाल हासिल करते। तो बा कमाल लोग वो होते हैं जो कमाल पाकर अपना सफर रोक नहीं देते, बल्कि कमाल के बाद बालातर कमालात के लिए सफर करते चले जाते हैं। और जो आदमी कमाल पा के बेनियाज हो जाए और समझे कि मैं परफेक्ट हो गया हूं, मैंने परफेक्शन अचीव कर ली है, कमाल पर पहुंच गया हूं, और मेहनत छोड़ दे, तवज्जो छोड़ दे, तो उसका कमाल भी घटता घटता नक्स में बदल जाता है। कमाल को कमाल रखने के लिए भी हिफाजत करनी पड़ती है, रियाजत करनी पड़ती है, और कमाल के दर्जे बुलंद करने के लिए मुजाहदा करना पड़ता है। तो आका अलैहिस्सलाम ये दुआ करते कि बारी ताला तूने जिस तरह मेरा जिस्म और चेहरा सारी कायनात का खूबसूरत तरीन चेहरा और जिस्म बनाया, इस तरह मेरे अखलाक भी खूबसूरत बना दे। मतलब ये था कि मेरा खुल्क तूने आला किया, पर आला से आला तर कर दे, औला से औला तर कर दे, अरफा से अरफा तर कर दे, इतना ऊंचा ले जा जहां तक खल्क जा सकती है। फिर आकर इस्लाम ये दुआ करते कि बारी ताला मुझे हुस्ने अखलाक की राह पर चला, ये भी दुआ करते। तो इसका मतलब ये है कि अगर अच्छे अखलाक, अच्छी तबीयत, अच्छी सलाहियत, अच्छा मिजाज, अच्छे तौर तरीके मौजूद हों तो बंदा बेनियाज ना हो, उनकी हिफाजत भी करे और उनको मजीद तरक्की देने की रियाजत भी करे, हिफाजत भी करे, रियाजत भी करे। अगर तवज्जो हट गई तो गफलत से जो पहला कमाल था वो भी जाता रहेगा। यहां तक आप अखलाक का माना समझ गए, अब आगे चलते हैं। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रख लें। यहां तक आप समझ गए कि नफ्स के अंदर अच्छाई और भलाई आसानी और सहूलत के साथ जारी रखने या उसके काम करने के लिए जो दवाम है उस सलाहियत को अखलाक कहते हैं। अब दूसरी बात समझ लें कि वो जो अच्छाई और भलाई हो अखलाक, उसकी शर्त है कि उसमें एतदाल भी हो, शर्त है कि वो एतदाल हो। अगर एतदाल न रहे तो अच्छाई अच्छाई नहीं रहती, ये बात बड़ी आम है। एतदाल न रहे, मॉडरेशन न रहे, बैलेंस न रहे तो अच्छाई अच्छाई नहीं रहती। मसलन कुव्वत अक्ल है, अक्ल इंटेलेक्ट, अगर इसमें एतदाल हो, बंदे की अक्ल में अगर एतदाल हो तो उसको जहानत और फतानत कहते हैं। कहेंगे ये बड़ा जहीन और फतीन है, मगर जहीन और फतीन वो शख्स होगा जिसकी जहानत में एतदाल हो। ये बड़ी अहम चीज है। और इसके बरक्स वो दाना होगा, दाना होने की शर्त है कि जहानत एतदाल के साथ, और अगर उस जहानत में इफरात आ जाए, ज्यादती आ जाए तो वो जहानत और फतानत नहीं रहती, वो मक्कारी और अय्यारी में बदल जाती, वो मक्कारी और अय्यारी में बदल जाती। मैं बहुत लोगों को जिंदगी में देखता हूं और नजर आता है कि उनमें मक्कारी और अय्यारी है, वो समझते हैं कि ये जहानत और फतानत है। नहीं, अगर एतदाल पर रहे तो जहानत और फतानत, अगर उसमें ज्यादती आ जाए, हद से बढ़ जाए इफरात की तरफ तो बंदा अय्यार और मकार बन जाता है, और अगर उसमें तफरीत आ जाए, उल्ट से कमी आ जाए तो कमी आने से बंदे में हिमाकत और बेवकूफी आ जाती। तो देखा
ज्यादती हुई तो बंदा अय्यार हो गया, कमी हुई तो बंदा बेवकूफ हो गया, और एतदाल पर अक्ल की सलाहियत रही तो फतीन और जहीन हुआ। इसी तरह हर बंदे के अंदर एक सलाहियत है, गुस्सा आता है बंदे को, गुस्सा आता है। अगर गुस्सा ना आए तो बंदा दुश्मन से लड़ ही नहीं सकता, बंदा अपना दिफा भी नहीं कर सकता, बंदा किसी के साथ सीना सिपर नहीं हो सकता। तो अगर उसको उसका जो गुस्सा है कुव्वत गजब, अगर उसमें एतदाल हो तो वो बहादुरी हो जाती है, शुजात बन जाती है। अगर उसमें ज्यादती हो जाए तो वो बंदे को जुल्म और जबर की तरफ ले जाती है, अगर उसमें कमी हो जाए तो बंदे को बुजदिल बना देती है, यानी वो बिल्कुल डाउन हो जाता है और सब कुछ बर्दाश्त करता चला जाता है। तो आपने देखा कि एतदाल में हुस्न है, ज्यादती भी खराब चीज है और कमी भी खराब चीज है, इफरात और तफरीत दोनों। इसी तरह खर्च करना, स्पेंडिंग, कुव्वत बज़ल, खर्च करना अगर एतदाल के साथ हो तो उसे सखावत कहते हैं, बंदा सखी होता है। अगर एतदाल से बढ़ जाए खर्च करना तो बंदा, इसको फजूल खर्ची कहते हैं, इसराफ और तबजीर कहते हैं, मना है। अगर कम हो जाए, तफरीत हो जाए तो बंदा कंजूस हो जाता है, बखीली और कंजूसी हो जाती है। तो ना इसराफ में खैर है ना कंजूसी में खैर है, सखावत तब बनती है कि खर्च करने का अमल और जज्बा एतदाल के साथ रहे। अब आप इन तीन चार मिसालों से ये बात समझ गए कि एतदाल का मतलब है दरमियान की हद पर कायम रहना, और खूबियां अगर दरमियान की हद पर कायम हो तो उनको हुस्न अखलाक कहते हैं, उनको हुस्न अखलाक कहते हैं। और अगर वो हद से इधर हो जाएं या हद से इधर हो जाएं तो वो हुस्न अखलाक नहीं रहता। अब जब ये बात आप समझ गए, अब उस आयत करीमा की तरफ आइए। अब अल्लाह पाक ने फरमाया, आका अलैहि सलाम को खिताब किया अपने महबूब को, फरमाया वَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, मेरे महबूब आप खुलुक अजीम के सबसे अजीम आला दर्जे पर फायज हैं। मतलब ये कि आपके अंदर जितनी खसलतें हैं वो कमाल पर हैं, सारी खूबियां, सारी खसलतें, सारी अच्छाइयां, सारे अखलाक कमाल पर हैं, और कमाल की भी इंतहा है, मगर सारे कमालों की इंतहा में एतदाल भी है। यानी एक खूबी दूसरी खूबी को छुपा नहीं रही, ये खूबी इस खूबी को नजरअंदाज नहीं होने देती। यानी सारी खूबियां बदरजे अतम बदरजे कमाल हैं, और कमाल का कमाल ये है कि हर शय गायत एतदाल पर है, हर शय गायत एतदाल पर है। आप बात को समझ गए ना, यानी आप देखते हैं ना इंसानी जिस्म में ऊंचा कद अच्छा लगता है, मगर बेहिसाब ऊंचा कद हो जाए तो किसी को अच्छा नहीं लगता, कद बहुत छोटा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। कद में भी, ऊंचाई में भी एतदाल होता है, इंसानी आज़ा में भी तवाज़ुन और एतदाल से हुस्न बन जाता है। जिस्म की जो ताकत है और मसल्स हैं उनके अंदर भी एतदाल हो तो बंदा हसीन लगता है। हर चीज, आंख को ले लें, नाक को ले लें, मुंह को ले लें, सीने को ले लें, पेट को ले लें, जिस शय को देखो उसमें अपना एतदाल और दूसरी चीजों के साथ उसका जो रब्त है उसका एतदाल, हर जगह एतदाल हो तो उसको हसीन कहते हैं, उसको हसीन कहते हैं। इसलिए आका अलैहि सलाम के लिए फरमाया कि आप खुलुक अजीम पर हैं, कि आपके अंदर
हर कमाल है और हर कमाल का एतदाल है, हर कमाल है और हर कमाल में एतदाल है, और ये पूरे इस्लाम की तालीम है। इस वजह से इरशाद फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, सहाबी ने सवाल किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे थे, आका अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे थे। ये सवाल किया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से। आपने जवाब दिया कि तूने कुरान नहीं पढ़ा, आपने जवाब दिया तूने कुरान नहीं पढ़ा। उसने कहा मैंने पढ़ा है। तो आपने फरमाया सारा कुरान और कुरान की सारी आयतें ये मुस्तफा का अखलाक था, ये हुजूर के अखलाक का बयान था। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि एक तो जो सवाल करने वाला था उसके सवाल में आपने एक गलती पाई, गलती उसकी इसलाह की। वो ये कि उसने जब पूछा कि हुजूर का अखलाक कैसा था, ये सही मुस्लिम में, मुसनद अहमद बिन हम्बल, अबू दाऊद, दारमी, इब्ने माजा, सब में हदीस आई। तो आपने उसकी गलती की निशानदेही की और इसलाह की। वो ये पूछ कर के हुजूर के अखलाक कैसे थे, वो ये समझ रहा था कि शायद आपके अखलाक गिने चुने कुछ महदूद थे, तो वो गिन कर बता देंगी कि हुजूर के अखलाक ये थे। लिमिटेड चीज का पूछा जाता है ना, और महदूद चीजों तो बताया जाता है कि ये। अगर आपके पास पैसे हों तो आप पूछें भी आपके पास कितने पैसे हैं, तो वो गिनने वाले होंगे तो कहेगा इतने हैं, मेरी जेब में 5,000 हैं, 10,000 हैं, 15,000 हैं, 1,00,000 है, 2,00,000 है, 10,00,000 हैं, 50,00,000 हैं, करोड़ है, कुछ तो कहेगा ना। वो करोड़ों की बात करता चला जाए, जहां तक भी जाए आखिर एक गिनती होगी ना, गिनती। और जब रकम और पैसा गिनती से निकल जाए, अनगिनत हो जाए, तो कोई पूछे भी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, वो कहे मेरे पास गिनती नहीं, मैं क्या बताऊं कितने हैं। इतने तो तब कहते हैं अगर गिने जा सकें, और जो गिनती से बाहर निकल जाए, गैर मादूद हो जाए, तो फिर उसको जवाब नहीं दिया था कि इतने पैसे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब उसने पूछा एक सहाबी ने हुजूर के अखलाक कैसे थे, तो उनका ख्याल था कि गिने चुने कुछ अखलाक होंगे, जैसे ये सच बोलता है, ये जुरतमंद है, ये बहादुर है, ये भलाई करता है, ये सखी है, ये दिल का सखी है, लोगों से शफकत करता है, नरम तबीयत है, यानी गिने चुने कोई 2, 4, 5, 8, 10, 20, 50 अखलाक होंगे, जवाब देंगे। आपने उसको जवाब दिया कि तुमने आका अलैहिस्सलाम के अखलाक को और सिफात को महदूद समझा है, तूने कुरान नहीं पढ़ा। उसने कहा मैंने पढ़ा है। यहां तक साइल की समझ में नहीं आया क्या बताना चाहती है। पढ़ा है मैंने कुरान। फरमाया कान खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान, उसकी हर हर आयत और हर हर लफ्ज ये हुजूर के अखलाक का बयान था। बताना ये चाहती थी कि हुजूर के अखलाक गिनती से बाहर हैं। जैसे कुरान अल्लाह का कलाम है और उसके मानी की कोई हद नहीं, उसके मारिफ की कोई हद नहीं, इसी तरह हुजूर के अखलाक की कोई हद नहीं। जैसे कुरान को पढ़ो, 1400 साल गुजर गए, हर आने वाला आलिम और आरिफ, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह, मुज्तहिद, हर आने वाला जब उसी कुरान की आयत को पढ़ता है तो नया माना बयान करता है। इमाम राजी ने और माना बयान किया, सियूती ने और माना बयान किया, इब्ने कसीर ने और माना बयान किया, कशाफ ने और माना बयान किया, आलूसी ने और माना बयान किया, शेख अकबर ने और माना बयान किया, अलगरज उलमा ने पढ़ा कि मानी एक ही आयत के मानी बयान किए, उरफा औलिया ने पढ़ा उसी आयत के 40-40 मानी बयान किए,
अगले आने वाले वक्त में किसी और आरिफ ने पढ़ा और मानी बयान किए, अगले वक्तों में और ने पढ़ा और मानी बयान किए। 1400 साल गुजर गए, कुरान मजीद के मानी खत्म नहीं हुए। हर शख्स जब पढ़ता है उस पर नए मानी का इंकशाफ होता है, नए मानी के चश्मे उबलते हैं। क्यों? कि अल्लाह का कलाम है। जिस तरह अल्लाह की कोई हद नहीं, इस तरह उसके कलाम के मारिफ की कोई हद नहीं, उसके कलाम की मानी की कोई हद नहीं। बस दिमाग चाहिए, कल्ब आरिफ चाहिए, निगाह चाहिए। जो आरिफ देखता जाएगा मानी के समंदर उबलते चले जाएंगे, और कयामत तक लाखों करोड़ों लोग हर रोज कुरान की उसी आयत को पढ़ेंगे, वो आयत नया माना बयान करेंगे, नए से नए मानी मुनकशिफ होते चले जाएंगे। तो आपका फरमाना ये था, जिस तरह अल्लाह के कलाम के मानी की हद नहीं है, इस तरह मुस्तफा के अखलाक की हद नहीं है। जो मेरे मुस्तफा से मिला उसने नया अखलाक पाया, दूसरा आदमी मिला उसने और अखलाक पाया, तीसरा मिला उसने और अखलाक पाया, लाखों लोग मिले लाखों अखलाक। और जिस तरह हुजूर की सीरत को देखते जाओगे अखलाक समंदरों की तरह उबलते जाएंगे। इसलिए मेरे पास गिनती नहीं है आका अलैहिस्सलाम के अखलाक की। समझ लो कि सारा कुरान मुस्तफा का अखलाक। जिस तरह कुरान के मानी गैर महदूद हैं, इस तरह हुजूर के अखलाक और हुजूर की सिफतें गैर महदूद हैं। ये आपका जवाब था, और मतलब आपका कहना ये चाहती थी, हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अवारिफुल मारिफ में लिखा, आप कहना ये चाहती थी पूछने वाले के लिए कि हुजूर के अखलाक कैसे थे, आप जवाब देना चाहती थी कि उनके अखलाक अल्लाह के अखलाक थे। अखलाक मुहम्मदी क्या था? वो अखलाक इलाहिया थे, अल्लाह के अखलाक थे। मगर बारगाह समदियत और बारगाह उलूहियत के अदब में, एहतराम में और उसके रोब में ये लफ्ज़ नहीं बोल सकी कि वो अल्लाह के अखलाक से मुतखल्लक थे, तो बजाय अल्लाह का नाम लेने के अल्लाह के कलाम का नाम ले दिया। कुरान अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह के हर कलाम को अल्लाह की एक सिफत कहिए। कलाम सिफत होता है ना, बोलिए कलाम, बोलिए कलाम सिफत होता है। तो कलाम अल्लाह की सिफात में से सिफत है, और सारा कुरान अल्लाह के कलेमात हैं, वो अल्लाह की सिफात हैं। तो बजाय ये कहने के हुजूर के अखलाक अल्लाह के अखलाक थे, उन्होंने अल्लाह के कलाम का नाम लेकर अदब उलूहियत भी रखा और अजमत नबुवत भी बयान कर दी। अदब उलूहियत भी रखा और अजमत शान मुस्तफा भी बयान कर दी। बात कह गई कि कुरान सारा हुजूर का अखलाक था, और कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम। और अल्लाह का कलाम क्या है? अल्लाह की सिफतें। तो कहना चाहती थी, अगर मुस्तफा के अखलाक को जानना चाहते हो कुरान देखो, कुरान अल्लाह के अखलाक और सिफतों का बयान है। उन सिफतों का एक रुख जो ऊपर को था वो शान उलूहियत का अखलाक था, और वो रुख जो अब्दियत नीचे की तरफ था वो शान अब्दियत और मुस्तफा का अखलाक था। इसलिए अगर तुम पढ़ना चाहो तो कुरान एक किताब की शक्ल में था, अगर आंखों से देखना चाहो तो चलता फिरता कुरान एक पैकर की शक्ल में था, मुस्तफा की शान था। ये फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। अगली बात एक बड़ी अहम समझने वाली, और वो ये कि जो अखलाक हसना है इसकी मिसाल इस तरह है, जैसे ये बात समझने वाली, जैसे जमीन में आसमान उतर आए। अखलाक हसना की, अखलाक हसना की मिसाल ये है, जमीन में आसमान आ जाए। इसलिए कि इंसान का जो अपना नफ्स है वो जमीन की मानंद है, और अखलाक हसना असल में अल्लाह के सिफात हैं।
तो जब बंदे के नफ्स में और बंदे का जिस्म जमीन की तरह है, जिस्म नासूती है और अखलाक हसना मलकूती चीज है, जैसे नासूती जिस्म में मलकूती सिफात समा जाएं, या समझें कि पैकर बशरी में, इंसान के बशरी पैकर में माला आला ऊपर की कायनात समा जाए, इस तरह समझे कि जमीन में, जैसे आम समझने के लिए जैसे जमीन में आसमां समा जाए, इस तरह समझो कि पैकर बशरी में माला आला समा जाए। अगर ये कैफियत हो तो ये अखलाक हसना है। और याद रख लें कि अखलाक हसना नमाज पढ़ना, सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, सिर्फ तस्बीह करना इबादात नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी और सीरत और मिजाज और अखलाक और बर्ताव ये मलकूती सिफात से मामूर हो जाए। यानी बंदा फरिश्ता तो ना हो, फरिश्ता तो ना हो, मगर ऐसा हो कि फरिश्ते उस पर रश्क करें, रश्क मलायक हो जाए। बंदा हो तो बशर मगर मलायका उसकी जियारत के लिए आए, बंदा हो तो बशर मगर मलायका उसकी खिदमत करें, उसका पैरा दें, बंदा हो तो बशर मगर मलायका उससे मुसावा करें, नजर नहीं आते मलायका। तो जब इंसानी जिस्म और इंसानी वजूद मलकूती बन जाता है, तो जिस्म तो बशरी होता है मगर उसके मन के अंदर मलकूती सिफात और अनवार व तजल्लियात समा जाती हैं, तो फिर वो बंदा बुख़ल से निकल जाता है, सरापा सखावत बन जाता है, झूठ से निकल जाता है, सरापा सच हो जाता है। फिर उस बंदे के अखलाक बदल जाते हैं, और जब बदलते हैं यानी उसके वजूद में मलकूत आ जाता है, तो फिर नेक काम, वो बंदा तकलीफ और मुशक्कत और मेहनत और कोशिश से नहीं करता, बगैर इरादे के भी उससे अपने आप नेकी सादिर होती चली जाती है। वो चाहे भी तो किसी से ज्यादती नहीं कर सकता, वो चाहे भी जुल्म नहीं कर सकता, वो चाहे भी झूठ नहीं बोल सकता। अलग बात है कि वो चाहता नहीं, ये अलग बात, मगर चाहे भी तो बद अखलाकी और बुराई और जुल्म उससे सादिर ही नहीं हो सकता। और देखिए, फरिश्ते अगर बुराई नहीं करते और जुल्म नहीं करते तो उनका बहुत बड़ा कमाल नहीं है, इसलिए कि उनके अंदर बुराई करने की सलाहियत ही नहीं है, वो मासूम है, बुराई का रुझान ही नहीं है उनके अंदर, वो सलाहियत ही नहीं रखी। इंसान में दोनों चीजें, अच्छाई की ताकत भी और बुराई की ताकत भी, दोनों सलाहियतें रख कर बुराई न करे और अच्छाई ही अच्छाई करे, इसलिए मलाइका भी रश करते हैं उस पर, मलाइका भी रश करते हैं। और जब आका अलैहिस्सलाम के अखलाक को फरमाया इन्नक लअला खुलुक नज़ीम, और हज़रत आयशा सदीका ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि कुरान हुजूर का अखलाक है, तो एक नुक्ता और समझने वाला है, वो ये कि कुरान मजीद में दो तरह की आयात। जब हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सारा कुरान हुजूर का अखलाक है, तो जानिए कि कुरान क्या है। कुरान के अंदर आयतें दो तरह की हैं, बल्कि तीन तरह की हैं। कुछ आयात हैं मुहकमात, आयात मुहकमात, वो हर एक को समझ आती, वो हर एक को समझ आती। दूसरी किस्म है आयात मुतशाबहात, वो हर आम को समझ नहीं आती, उनका इल्म अल्लाह को है या अल्लाह जिन्हें मारिफत अता करता है अहलुल्लाह को है। मुतशाबहात का इल्म या अल्लाह को है या अहलुल्लाह को है, आप मेरी बात समझे, या अल्लाह को है या अहलुल्लाह को है, गैरुल्लाह को नहीं है। और जो आयात मुहकमात हैं वो हर कोई समझता है, आम आयतें जिसके मानी सादा हैं, हुक्म हैं, मुश्किल नहीं है। तो मुतशाबहात खास खास को अल्लाह अता करता है,
اور تیسری قسم وہ ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم کاف یا عین صاد، یہ جو حروف مقطعات ہیں 14 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، تو حروف مقطعات یہ بھی متشابہات میں سے ایک قسم ہے، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کو اہل اللہ بھی نہیں جانتے، یہ صرف یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن میں 3 قسموں کی آیتیں ہیں، تو آقا علیہ السلام کے اخلاق اور صفات اور کمالات کو پورے قرآن سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے کچھ اخلاق اور کچھ کمالات ایسے ہیں جنہیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جنہیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، وہ علماء بھی جانتے ہیں، فقہا بھی جانتے ہیں، وائز لوگ بھی جانتے ہیں، خطیب بھی جانتے ہیں، امام بھی جانتا ہے، مقتدی بھی جانتا ہے، پڑھا لکھا بھی جانتا ہے، تھوڑا پڑھا لکھا بھی جانتا ہے۔ تو وہ آیات محکمات کی مانند جو اخلاق ہیں مصطفیٰ کے اور صفات، وہ ہیں جو ہر کسی کی سمجھ میں آ گئیں۔ آقا علیہ السلام کے اندر کچھ اخلاق اور صفات ایسی ہوئیں، کچھ اخلاق اور صفات جو صرف عارفوں کو پتا چلا اور جاہلوں کو پتا نہ چلا۔ ان کو صرف ابو بکر کی آنکھ نے دیکھا، فقط عمر کی آنکھ نے دیکھا، انہوں نے اپنے رنگ میں دیکھا، عمر نے اپنے رنگ میں دیکھا، عثمان نے اپنے رنگ میں دیکھا، اور جب علی کی باری آئی ان کو باب مدینہ علم بنایا، انہوں نے کسی اور رنگ میں دیکھا۔ گویا جن جن کو وہ معرفت ملی اور وہ آنکھ ملی، کچھ اخلاق ایسے تھے متشابہات کی طرح کہ وہ خاصوں کو معلوم ہوئے۔ اب جن کو وہ معلوم نہیں وہ انکار کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں اور مجادلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر فتوی لگاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں سمجھ نہیں۔ اور ایک قسم آقا کے اخلاق اور کمالات کی ایسی بھی ہے جو حروف مقطعات کی طرح ہے، جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، مخلوق میں جانتا ہی کوئی نہیں، مخلوق میں جانتا ہی کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جملہ تو ایک بولا مگر اس کے اندر سمندر بہا دیے معانی کے، فرمایا سارا قرآن حضور کے اخلاق ہیں۔ تو گویا حضور کے اخلاق میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، مقطعات بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ گزر گیا، حضور کے مقام و مرتبہ کی حقیقت کو انسان نہیں جان سکا۔ انسان اتنا جانتا ہے جتنی اس کی سمجھ جہاں تک پہنچی، جتنا علم اس کا پہنچا، جتنی معرفت پہنچی۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق اور کمالات کا احاطہ اور ادراک کوئی نہیں کر سکا۔ اب حضور علیہ السلام کے اسی اخلاق کی بات کر رہا تھا، اس میں جو توجہ طلب چیز ہے یہ بڑی خاص ایک اور نقطہ ہے، اخلاق بہتر کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جبلت میں، فطرت میں اللہ بیج تو رکھ دیتا ہے، مگر بہتر کیسے ہوتے ہیں؟ اس میں ریاضت بھی ہے، اس میں صحبت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، اور اچھوں کی صحبت میں زندگی گزاریں گے، ہمیشہ بیٹھیں گے اچھوں کی سنگت میں، تو آپ کے اخلاق اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ برے لوگوں کی صحبت اور سنگت میں وقت زیادہ گزاریں گے تو آپ کے اخلاق اسی طرح برے ہوتے چلے جائیں گے، جیسی صحبت ہوگی ویسا رنگ چڑھے گا، اسی طرح کے اخلاق بنیں گے۔ یہ بات سمجھ گئے نا؟ اب یہاں ایک بڑی ایمان افروز بات ہے، توجہ سے سنیں اور سمجھیں۔ گویا اخلاق صحبت سے تبدیل ہوتا ہے، اخلاق صحبت سے تبدیل ہوتا ہے، یعنی تبدل ہوتا ہے مصاحبت اور معاشرت سے۔ یہ دنیا کے نباتات میں بھی نظام یہی ہے، حیوانات میں بھی نظام یہی ہے، جمادات میں بھی نظام یہی ہے۔ یہ سبجیکٹ الگ ہو جائے گا اور سائنس بھی اسی کو کہتی ہے، اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر یہ ذہن میں رکھ لیں، جیسی سنگت صحبت اور رفاقت ہوگی جتنی، اسی رنگ سے اخلاق کا رنگ چڑھ جائے گا۔
आप कंजूसों के साथ बैठेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कंजूस हो जाएंगे। आप सखियों के साथ बैठेंगे, आपकी तबीयत में सखावत आती जाएगी। आप इबादत गुजारों के साथ बैठेंगे, इबादत का शौक पैदा होता जाएगा। आप गाफिलों और पीने पिलाने वालों के पास बैठेंगे, आपकी तबीयत से दीन निकलता चला जाएगा। चोरों उचक्कों और करप्ट लोगों के साथ बैठेंगे तो आपके अंदर करप्शन दाखिल होती चली जाएगी। और जाहिद और बेनियाज लोगों की सोबत में बैठेंगे तो दुनिया और माल कमतर होता चला जाएगा। जैसी सोबत और संगत होगी वैसा रंग आपके अखलाक को चढ़ जाएगा। लिहाजा सोबत अच्छी इख्तियार करें, सोबत अच्छी इख्तियार करें जिंदगी में। अगर बुरी सोबत हो तो इबादतें भी रायगां चली जाती हैं, रियाजात भी रायगां चली जाती हैं, मेहनत रायगां चली जाती है, और थोड़ी ज्यादा ईमान की कमाई भी बर्बाद हो जाती है। बुरी सोबत सब कुछ लेके डूब जाती है, और अच्छी सोबत हो तो बड़ी चीजों को तरा देती है। अब हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुसनद में, इमाम तिरमजी ने रिवायत किया हजरत अबू हुरैरा से, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मरउ अला दीन खलील ही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। फरमाया हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है, हर शख्स अपने दोस्त की रविश पर होता है। जैसा उसका दोस्त हो उसी तरह की रंगत और रविश और उसी तरह का तर्ज जिंदगी उस बंदे में आ जाता है। फरमाया फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, अगर आप किसी का तायुन करना चाहें कि यह बंदा कैसा है तो उसकी संगत और दोस्ती और सोबत को देखा करो। इसकी संगत कैसी है, इसकी दोस्ती कैसी है, किन के साथ उठता बैठता है, उसके दोस्तों से और सोबत और संगत से उस बंदे के किरदार का, उसकी संगत से उस बंदे के किरदार की रंगत का अंदाजा हो जाता है कैसा रंग है। इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में, बाहर की दुनिया में जब किसी को सिक्योरिटी सर्विस मिले या पुलिस वगैरह में लेना हो तो वो इंटरव्यू करते हैं सिर्फ उस बंदे का नहीं, उसके पेरेंट्स का, उसके दोस्तों का भी इंटरव्यू करते हैं। जब आदमी देखते हैं तो किन के साथ रिलेशन्स हैं, किन के साथ उठता बैठता, पीछे तक तलाश किया जाता है। और संगतों से बंदे पकड़े भी जाते हैं और संगतों से बंदे छूटते भी हैं। फरमाया देखो किन की संगत में बैठता है, सोबत में, उससे पता चल जाएगा इसका रंग क्या है। इसलिए कुरान मजीद ने कहा कूनू मअस्सादिकीन, सच्चों की संगत में रहा करो। और फरमाया जालिमों के संगत में न बैठा करो, जालिमों की संगत में न बैठा करो। फिर हदीसे पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग हैं, अल्लाह का जिक्र, हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम, अल्लाह का जिक्र करने वाले ऐसे अच्छे लोग हैं कि जो उनकी सोबत और संगत में बैठ जाए वो भी महरूम नहीं रहता, कुछ ना कुछ रंग अल्लाह के जिक्र का उस पर भी चढ़ जाता। यहां तक बात समझ गए ना कि सोबत से अखलाक बदलते हैं, सीरत बदलती है, रंग बदलता है। इसलिए बड़ी बड़ी हस्तियां, चार इमामों का नाम लूंगा, आइमा फिक्र, इमाम आजम अबू हनीफा, इल्म और फिका के दीन के कितने बड़े इमाम थे मगर अपने वक्त के एक मजजूब, बहलूल मजजूब, जिसे बहलूल दाना कहते हैं, उनकी सोबत में जाके बैठते थे। खुद इमाम थे इल्म के मगर एक मजजूब की सोबत में बैठते थे, क्यों कि मजजूब अल्लाह की संगत में बैठने वाला होता। इमाम मालिक खुद इमाम थे फिक्र के मगर हजरत मोहम्मद बिन अल मुनकदिर की संगत में बैठते थे। इमाम शाफी इमाम थे अपने वक्त के और हजरत अबू हमजा बगदादी की संगत और सोबत में बैठते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल इल्म के इमाम थे मगर हजरत बिशर अल हाफी की सोबत में बैठते थे और अबू हमजा बगदादी की सोबत में बैठते थे। अरे ये इल्म के, फिक्र के, कुरान के, हदीस और सुन्नत के इतने बड़े इमाम कि सारी दुनिया इनकी तरफ चल के जाती, और ये उन औलिया और सूफिया
और अल्लाह वालों की सोबत और संगत में बैठते जो जाहिरी इल्म में इनके बराबर नहीं थे, मगर उनकी सोबत क्यों लेते? क्योंकि उनकी सोबत से इनके बातिन पे रंग चढ़ता था, इनके अखलाक बदलते थे, इनके हवाले बातनी बदलते थे, अल्लाह से कुर्बत नसीब होती थी। अब यहां तक अब बात को समझ गए, अब इस नुक्ते को आगे लेके जाना चाहता हूं। तो पता ये चला कि बंदा जिसकी सोबत में होगा उसी का रंग चढ़ेगा। तो बंदे बंदे की सोबतों में होते, उस बंदे पर उन बंदों का रंग चढ़ता। वली वली की सोबत में होता, उन पर उन औलिया का रंग चढ़ता। जो लोग मौला अली अल मुर्तजा की संगत में बैठते उनके अंदर बुए विलायत आती। जो इमाम हसन और इमाम हुसैन की संगत में बैठते, जो इमाम अली जैनुल आबिदीन की संगत और सोबत में बैठते, इमाम मोहम्मद अल बाकिर की सोबत में बैठते, इमाम जाफर सादिक की सोबत में बैठते, उनके हवाले बातिन बदलते थे। जो हसन अल बसरी की सोबत में बैठते, बायजीद बुस्तामी की सोबत में बैठते, जुन्नून मिस्री की सोबत में बैठते, जो मारूफ करखी की सोबत में बैठते, जो श्री सगती की सोबत में बैठते, जो लोग औलिया की सोबत में बैठते, भले जाहिरी इल्म में वो वली उस आलिम जैसा होता या ना होता, मगर उसका बातिन उस हाजिरी देने वाले के अखलाक को, उसके बातिन को, उसके अहवाल को बदल के रख देता। इसलिए बड़े बड़े वक्त के आलिम और इमाम औलिया की सोबत में बैठते थे कि उनका रंग चढ़े। वो रंग किताबों से नहीं चढ़ता, वो रंग मदरसों से नहीं चढ़ता, वो रंग अकल और फहम से नहीं चढ़ता, वो रंग सोबत से चढ़ता। अब यहां तक आप बात समझ गए, अब मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं। ध्यान से सुने, जो जिसकी सोबत और संगत में ज्यादा रहा उसका रंग चढ़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम किसकी सोबत और संगत में थे? आका अलैहिस्सलाम किसकी सोबत और संगत में थे? हर कोई हुजूर की संगत लेता और हुजूर को खुदा की संगत नसीब थी। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की सोबत में थे, अल्लाह की मुसाहबत में थे। तो जिस तरह हर एक को सोबत की वजह से उसका रंग चढ़ता, तो हुजूर जो सारी उम्र अल्लाह की सोबत में रहे उन पर अल्लाह का कितना रंग चढ़ा होगा, उन पर अल्लाह का कितना रंग चढ़ा होगा जो हर लम्हा अल्लाह की मुसाहबत में गुजरता, अल्लाह की कुर्बत में गुजरता, अल्लाह के हुजूर गुजरता, अल्लाह के दरबार में गुजरता, अल्लाह की कुर्बत में गुजरता हर लम्हा, तो हर लम्हा अल्लाह का कोई ना कोई रंग मुस्तफा पे चढ़ता रहता था। और ये भी सुन लें, जब दूसरे का रंग चढ़ता है तो अपना पहला रंग उतर जाता है, या उतर जाता है या नए रंग के नीचे छुप जाता है। देखो ना, आप कपड़ा ले लें, कपड़े को रंग साज रंगता है ना, तो जब आप कपड़ा खरीद के लाते हैं तो उसका कोई रंग तो होगा। अब उसके आप नया रंग चढ़ा देते हैं या घर की दीवार को पेंट करते हैं, तो जब पेंट करते हैं तो वो रंग जो करना चाहते हैं चढ़ जाता है। फिर आप उसको बाद में सफाई करते हैं, सफा करके भी और रंग चढ़ जाता है, सफाई करते हैं और रंग चढ़ जाता है। तो नया रंग चढ़ाने के लिए सफाई भी करनी पड़ती है, सफाई के साथ नया रंग चढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप सफाई की मेहनत न करें और चाहें कि खाली रंग चढ़ जाए, सफाई करेंगे नया रंग चढ़ेगा। तो आका अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की सोबत और संगत में हर वक्त गुजारते, तो हर वक्त आका अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के अखलाक व सिफात का रंग चढ़ता, और चढ़ते चढ़ते वो रंग हो गया कि सारे अखलाक इलाहिया हुजूर अलैहिस्सलाम की जात में आ गए। इसलिए आइम्मा ने कहा, हजरत शेख अकबर ने तल्कीउल अज़हान में लिखा और इमाम गजाली ने एहया उलूमुद्दीन में बयान किया और बड़े आइम्मा, और वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि सलास व मिअतिन व सित्तीन खुलुका, अल्लाह ताला के 360 अखलाक हैं।
कितने? जैसे आपने सुना ना अल्लाह के 99 असमा हैं, कितने असमा इलाहिया हैं? 99 जो मारूफ हैं, वरना तो अल्लाह के असमा की भी हद नहीं है। मगर आम तौर पे जो रिवायात में मौजूद है अल्लाह के 99 असमा, इसी तरह जैसे असमा 99 हैं, इस तरह अल्लाह के अखलाक बयान किया गया 360 अखलाक हैं। कोई हद नहीं है, मगर कुछ का जिक्र किया गया, कुछ नुमाया का जिक्र किया गया। तो फरमाया अल्लाह पाक ने, जो इन में से ईमान के साथ तौहीद के साथ एक खुलुक भी अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर ले, वो जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह के 360 अखलाक हैं। तो औलिया और उलमा फरमाते हैं कि सारे के सारे अखलाक किसी नबी और रसूल में जमा नहीं हुए सिवाय आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक। सारे अखलाक हुजूर की ज़ात पाक में जमा हो गए, सारे अखलाक हुजूर की ज़ात में जमा हो गए। अब जो इंसानों की तबीयतें अल्लाह ने बनाई हैं, याद रख ले उन तबीयतों में मट्टी का उनसर भी है। फरमाया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, उसने मट्टी से बनाया, तो तबीयतों में मट्टी का उनसर भी है, तबीयतों में पानी का उनसर भी है। फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ मिन अल-माअ बशरा, तो पानी से बनाया उसका उनसर भी है, उस बंदे में गारे का उनसर भी है हमारी तबीयत में। फरमाया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, जो जो चिपकने वाला गाला होता है उसका उनसर भी है। फरमाया इन्ना खलकनाकुम हुम मिन तीनिन लाज़िब, चिपकने वाला गारा, उसमें हमाय मसनून का उनसर भी है, जला हुआ बूदार से आगारा उसका उनसर भी है, उसमें सलसालिन कल फ़खार का भी है। खलक अल इंसान मिन सलसालिन कल फ़खार, जैसे ठीकरी बजती है। तो ये सारे अनासिर बंदे के जिस्मानी तश्कील में हैं। अगर आप केमिकल एनालिसिस करें इंसानी जिस्म का, जैसे बायोप्सी करते हैं ना किसी चीज़ की, बायोप्सी चेक करने के लिए कि ये क्या है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं कि इन्फेक्शन किस किस्म की है, थोड़ा हो कोई जगह हो, बायोप्सी करते हैं कि इसमें क्या जरासीम है। अगर जिस्म का केमिकल एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि उस जिस्म के अंदर पानी का जुज़ भी है, मट्टी का जुज़ भी है, गारे का जुज़ भी है, उसमें जलन का जुज़ भी है, और साबूदार से आगारे का जुज़ भी है। सारे अनासिर हैं, इनसे इंसानी जिस्म बना है, इंसानी जिस्म। तो जो जो अनासिर इंसानी जिस्म की तश्कील में हैं, उन सारे अनासिर की खासियतें भी इंसान में हैं। मट्टी में कसाफत है, भारीपन है, इसलिए बंदे की तबीयत में कसाफत भी है। पानी में सलासत है, रवानी है, तो बंदे की तबीयत में सलासत रवानी भी है। गारा चिपकना है, बंदे की तबीयत में चिपक जाना, अड़ जाना, जिस चीज़ को छोड़ना नहीं, वो भी है। तो आग भी है, गुस्सा भी है, ठंडक भी है, ये सारे अनासिर इस पैकरे बशरियत की तश्कील के अंदर हैं। और बंदे के मिजाज में सारी चीज़ें हैं, बंदे के मिजाज में सारी चीज़ें हैं। अब आका का अखलाक, उनका भी पैकर बशरी था, इन सब चीज़ों के साथ अखलाक खुलो के अजीम और अखलाक इलाहिया कैसे बन गया? वो इस तरह बना, ये सब चीज़ें पैकर बशरी की खिलकत के अंदर इनके बीज थे। अल्लाह पाक ने क्या किया, अपनी आयात उतारी, हर आयत के अंदर अल्लाह ने अपनी सिफत उतारी, तो अल्लाह की सिफत उतरती गई और जो बशरी अखलाक थे वो एक एक करके उतरते गए। सिफात इलाहिया, अखलाक इलाहिया अल्लाह की कुरानी आयात की सूरत में उतरती गई, और हर एक सिफत जो अल्लाह की उतरी उसने एक एक बशरी खुलक को अलग कर दिया। फिर अल्लाह की नई सिफत उतरी, खुलक उतरा, तो बशरी खुलक अलग हो गया, फिर नया खुलक उतरा, फिर पहला बशरी खुलक जुदा हो गया। उतरते 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 जब सारा कुरान मुकम्मल हुआ, सारा कुरान मुकम्मल हुआ उसका नुज़ूल, तो बशरी अखलाक का कुछ भी ना बचा था, जिस्म मुस्तफ़ा का था, अखलाक खुदा का था, जिस्म मुस्तफ़ा का था, अखलाक खुदा का था।
اخلاق الہیہ کے سارے نہ صرف رنگ چڑھ گئے بلکہ بشری خلق اور وہ خصائص طبیعتوں کے جو میں نے بیان کیے وہ طبائع بھی بدل گئی تھی، وہ مزاج بھی بدل گئے تھے۔ اور جو کبھی کبھی بشری صفتوں کا ظہور ہوتا تھا وہ امت کی تلقین اور سنت کے لیے ہوتا تھا، وہ صرف امت کی سنت کے لیے ہوتا تھا۔ میں مثال کے طور پہ بخاری اور مسلم کی حدیث ایک سناتا ہوں، جو بشری صفتوں کا کبھی کبھی ظہور ہوتا، انسانی صفتوں کا۔ آقا علیہ السلام کھاتے تھے مگر آپ کا جسم بھی کھانے کا محتاج نہ تھا، وہ کھانے کو سنت بنانے کے لیے کھاتے تھے۔ آپ نے شادی کی، شادی کی محتاجی نہ تھی، اس کو سنت بنانے کے لیے کرتے۔ علالت ہوتی، بیماری ہوتی، جسم اس کا محتاج نہ تھا، مگر یہ سارے عوارض بشریہ اس لیے ہوتے تاکہ انسان انسانی زندگی کے پیکر سے سیکھ سکیں اور اپنی زندگیاں حضور کی زندگی کے مطابق ڈھال سکیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ان کا ظہور بھی نہ ہوتا تو انسانوں کا ربط نہ رہتا حضور کی زندگی کے ساتھ، کنیکشن نہ رہتا، آقا کی زندگی سے اخذ کرنے اور سبق لینے کا امکان نہ رہتا۔ اب حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم کی، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، عشاء کی یا مغرب کی نماز پڑھائی، چار رکعتیں پڑھانی تھی اور مغرب کی نماز کی تین رکعتیں پڑھانی تھی، آپ نے دو رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا، دو رکعتیں پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ جب سلام پھیر دیا تو صحابہ کرام آپس میں بات کرنے لگے، قصرت الصلاۃ، اب ان کا ادب دیکھیے، یعنی تین رکعتیں پڑھانی تھیں، دو پڑھا کے سلام پھیر دیا، عشاء کی چار پڑھانی تھی، دو پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ کرام نے کیا بات کی؟ یہ کہا کہ شاید نماز چھوٹی کر دی گئی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے ایک اور، مگر حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، سیدنا عمر بھی تھے، سیدنا عثمان بھی، مولا علی المرتضیٰ بھی، کسی کو جرت نہ ہوئی بات کرنے کی کہ آقا کیا ہوا، نماز پوری نہیں پڑھائی، جرت نہیں، ہیبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ سب خاموش۔ ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے، بڑے لمبے، اس کو ذو الیدین کہتے تھے، لمبے ہاتھوں والا، وہ دیہات کا رہنے والا تھا، سادہ طبیعت تھا، اس کو ادب آداب اتنے معلوم نہیں تھے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انسیتا ام قصرت الصلاۃ، یا رسول اللہ کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز آدھی کر دی گئی ہے، نماز کی رکعتیں کم کر دی گئی ہیں، یا آپ بھول گئے ہیں؟ اب آقا علیہ السلام کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں، لم انسا ولم تکسر، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز چھوٹی کی گئی ہے۔ بھائی بھول تو ہو گئی ہے، تین رکعتوں کی بجائے دو پڑی ہیں، چار کی بجائے دو پڑی ہیں۔ فرمایا لم انسا ولم تکسر، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز چھوٹی کی گئی ہے۔ پھر بعد میں آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، فقال اکما یقول ذو الیدین، صحابہ سے پوچھا کیا اسی طرح ہوا ہے جیسے ذو الیدین کہہ رہا ہے، کیا ایسا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے سر ہلایا، فقالوا نعم، یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر دو رکعتیں بقایا پڑھائیں اور سجدہ صاف کر دیا۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے، پوچھا دو رکعتیں بھی پڑھائیں، سجدہ صاف بھی کیا، مگر یہ بھی فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے۔ اس بات کو حدیث کو ذہن میں رکھے۔ پھر ایک اور حدیث آتی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز زور پڑھی، آقا علیہ السلام نے چار رکعتیں پڑھانی تھی، دو رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ بنی سلیم کے قبیلے کا ایک شخص تھا، دیہات سے آیا ہوا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے، آدھی ہو گئی ہے، آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ پھر ایک روایت میں آقا نے فرمایا کل ذالک لم یکن، ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے،
और जब आका ने बाद में पूछा तो सजदा साहब के साथ पढ़ा भी दी। अब सवाल पैदा होता है कि जब सजदा साहब भी करवाया, नमाज पूरी भी कर दी, ये क्यों फरमाया कि ना मैं भूला हूं ना नमाज छोटी हुई? ये सवाल पैदा हुआ। इसकी वजाहत इमाम मालिक ने मुवत्ता में एक और हदीस के जरिए दी है। मुवत्ता में इमाम मालिक ने एक हदीस दी, आका अलैहि सलाम ने फरमाया, काल इन्नी लअंसा ओ उनस्सा लअसुन्ना, फरमाया जब देखते हो कि मैं भूला हूं, याद रख लो मैं भुलाया गया हूं, मैं भुलाया इसलिए जाता हूं, ले असुन्ना कि मेरा हर फेल तुम्हारे लिए सुन्नत बन जाए। अगर भूल नहीं होगी तो कल को जब तुम भूलोगे नमाज में तो क्या करोगे? जब तुम भूलोगे तो क्या करोगे? मैं तुम्हारे भूलने की वजह से भूल कर सजदा साफ करके दिखा रहा हूं कि अगर कोई मेरा उम्मती भूल जाए तो ऐसे करना है। फरमाया अगर भूल भी होती है अल्लाह की तरफ से तो सुन्नत बनाने के लिए होती है, भूलता नहीं हूं। भूल में सुन्नत बनाने के लिए ऐसा अमल वाकई होता है। तो मतलब बात का यह हुआ, अगर बशरी सिफत का भी जहूर होता तो उम्मत के लिए होता, आका उसके मोहताज न थे, वो आका की कमजोरी न थी, आका की कमजोरी न थी। और इसलिए आका अलैहि सलाम की इस सीरत और अखलाक का, चूंकि सारी कमजोरियां निकाल दी गई थी और उन पर अल्लाह का रंग चढ़ गया था, इसलिए अल्लाह रब इज्जत ने आका अलैहि सलाम को सरता पा इंसानियत और सारी कायनात के लिए रहमत बना दिया था। सरता पा रहमत बन गए थे। अब आपके अंदर किसी का बुरा चाहना काफिर ही क्यों ना हो, ये था ही नहीं। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत बना दिए गए। फरमाया इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मुझे सरापा रहमत बना के मबूस किया गया। और आपका अखलाक देखिए, खुलक ये, सरापा रहमत होने का माना ये कि आप मोमिन के लिए भी रहमत थे और काफिर के लिए भी रहमत, मोमिन के लिए भी रहमत थे और काफिर के लिए भी रहमत थे। तुफैल बिन अमर अद्दौसी एक सहाबी थे, उनका कबीला दौस था, कबीला दौस था, स्ट्राइब दौस वाज स्ट्राइब। उसने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की अपने कबीले को मुसलमान करे, अपने कबीले को मुसलमान करे, हिदायत पर लाए, मगर मायूस हुआ, कबीले ने इस्लाम को रद्द कर दिया। वो बिलाखिर पूरी कोशिश करके नाकाम होके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन दौसन कद असत व अबत फद उल्लाह अलैहा, मेरा कबीला जो दौस है, ट्राइब दौस, उसने नाफरमानी की हद कर दी है, इस्लाम को रद्द कर दिया है, आप उनके लिए बद्दुआ करें, उनके लिए बद्दुआ करें कि वो तबाह और हलाक हो जाए। आकर इस्लाम उसकी बात सुनकर किबला रुख हो गए, उसी वक्त किबला रुख हो गए और अपने दोनों हाथ उठा लिए। जो सहाबा मौजूद थे सब ने समझा के काम हो गया, अब कबीला दौस के लिए हुजूर बद्दुआ करने लगे हैं और वो तबाह हो जाएगा, सब ने समझा। आपने अल्लाह के हुजूर अर्ज की, अल्लाह उम्मदे दौसन वाते बिहिम, ए अल्लाह कबीला दौस को हिदायत दे और उनका मददगार बन जा, उनकी मदद कर। वो परेशान हो गए, या रसूलल्लाह हमने कहा था कि उनके लिए बद्दुआ करें, आपने दुआ कर दी, दुआ कर दी, ये क्या किया? आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मैं तो सरापा रहमत हूं, बद्दुआ है ही नहीं मेरी जिंदगी में। आका अलैहिस्सलाम ताइफ जाते हैं, दावत देते हैं, ताइफ के लोग आपको पत्थर मारते हैं, जख्मी कर देते हैं, जिस मुबारक से खून बहने लगता है, आप एक पहाड़ की ओड़ में आके खड़े होते हैं, बच्चे मजाक उड़ाते हैं, तानाजनी करते हैं, तमस्वर करते हैं, पत्थर से जख्मी करते हैं। उस कैफियत में हदीसे पाक में आता है
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, جو احد میں آپ کو تکلیف ہوئی تھی, پتھر لگے تھے, چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا, احد سے بڑھ کر بھی کوئی زیادہ شدت کا تکلیف دے دن آپ پر آیا؟ فرمایا, ہاں عائشہ, تمہارے قبیلے نے یعنی قریش نے اس سے بھی سخت کیا تھا میرے ساتھ جب میں طائف گیا تھا اور پتھروں سے مجھے زخمی کر دیا تھا اور خون بہہ رہا تھا. اس وقت میرے اوپر ایک بادل آیا, میں نے سر اٹھا کے دیکھا, اس بادل میں جبرائیل امین تھے. جبرائیل امین نے مجھے کہا, یا رسول اللہ, اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے, ملک الجبال, پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے, آپ اس کو جو حکم فرمائیں یہ آپ کی تعمیل کے لیے آیا ہے. اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. عرض کیا, یا رسول اللہ, مجھے حکم دیں, میں دونوں پہاڑوں میں طائف کی پوری بستی کو پیس کر رکھ دوں یا اٹھا کر تباہ کر دوں تاکہ قیامت تک ان کی نسلوں میں کوئی پیدا نہ ہو سکے, زندہ نہ رہ سکے. آپ نے بات سن لی اور سن کے فرشتے سے کہا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا, میں سراپا رحمت ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایمان لانے والوں کو پیدا کر دے گا. اب یہ بات توجہ طلب ہے, دیکھیے, عام دعا کرنا اور بات ہے مگر اس کیفیت میں ذرا تصور لائیں, پتھروں سے کوئی زخمی کر دے, گالی گلوچ کرے, تمسخر کرے, نعرہ بازی کرے, یہ کیفیت ہو اور خون بہہ رہا ہو اور اس میں فرشتہ آ جائے, جبرائیل امین آ جائیں اور وہ کہے ہم پہاڑوں میں ان کو سبق سکھاتے ہیں, پیس کر ختم کر دیں گے, ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. اس کیفیت میں جب آپ کے بس میں ہو کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, تب کہیں کہ نہیں مولا, ان کی نسلوں سے ایمان والے پیدا ہو جائیں گے, ان کی سلامتی مانگتا ہوں. ادھر دیکھیے, جس دن فتح مکہ ہوتا ہے, یہ وہ مکہ کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے تلواروں کے ساتھ محاصرہ کیا تھا اور مولا علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹا کے آقا ہجرت فرما گئے, جنہوں نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا تھا, صحابہ کو قتل کرتے تھے, ذبح کرتے تھے, اذیت دیتے تھے, وطن چھڑا دیا اور پھر وطن چھوڑ کر بس نہیں کی, ہر سال حملہ کرتے مدینہ پر, غزوہ بدر مسلط کی, جنگ احد مسلط کی, جنگ بدر مسلط کی, جنگ خندق مسلط کی, ہر سال مدینہ پر حملہ کرتے, آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا, سکون سے نہیں بیٹھنے دیا, ہر وقت آپ کو پریشان رکھا. اب اس مکہ میں آقا علیہ السلام 10,000 فوجی لے کر داخل ہوئے, لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں. ایک صحابی نے آواز دی, جب مکہ فتح ہو گیا, کفار کے سر نیچے جھک گئے, دبا کے سب اپنے گھروں میں چھپ گئے, خوف زدہ تھا, کسی میں جرت نہ تھی کہ گھر سے باہر گلی کوچے میں آ سکے, ہر شخص سمجھ رہا تھا اب ہماری گردنیں اڑ جائیں گی, سر کٹ جائیں گے. 8 سال جو کچھ ہم نے کیا اور 13 سال جو پہلے کرتے رہے مکی زندگی میں, آج 21 سال کے ہمارے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا, انتقام لیا جائے گا, ہر شخص یقین کے ساتھ یہ سمجھ رہا تھا. ایک صحابی بولا, الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے, ہم بدلہ لیں گے, تمہاری گردنیں اڑا دیں گے, تمہارے 21 سال کے ظلم کا بدلہ لیں گے. وہ منظر تھا. اس موقع پر آ کر اسلام منبر پہ چڑھے اور منبر پہ چڑھ کے آپ نے پوچھا, یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم, اے قریشیو, بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. قالوا خیرا اخ کریم وابن اخ کریم, ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے, اچھے ہیں, اچھوں کی اولاد ہیں. اس کیفیت میں 21 سال ظلم ہوتا رہا ہو. اس پر آ کر اسلام نے فرمایا, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میرے دشمنوں, تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے, آزاد کیا جاتا ہے. آقا علیہ السلام کا حلم دیکھیں, بردباری دیکھیں, عفو درگزر دیکھیں, اخلاق میں رحمت دیکھیں, کیا یہ بشری خصائص میں آتا ہے؟ کیا یہ بشری خصائص میں آتا ہے؟
یعنی اخلاق کی عظمت دیکھیں اور احد کے میدان کو دیکھیں. جب آقا علیہ السلام پر پتھر لگے, تلواریں لگیں, آپ کا جبڑا مبارک, چہرہ مبارک زخمی ہو گیا, دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ گڑے میں گر گئے, لوگوں نے سمجھا شہید ہو گئے. اس کیفیت میں آقا علیہ السلام, خون بہ رہا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ انہیں بد دعا دے دیں, لوگ تلواروں سے زخمی کر رہے ہیں, پتھر مار کے آپ کا جبڑا مبارک زخمی کر دیا, چہرہ مبارک زخمی کر دیا, دندان مبارک شہید ہو گئے, گڑے سے نکلے, لوگ منتشر ہو گئے. صحابہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ان کو بد دعا دیں. ان کا یقین تھا, ایمان تھا, اگر ہاتھ اٹھا دیے بد دعا کے لیے سارے دشمن کفار ختم ہو جائیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, ہاتھ اٹھائے, فرمایا, اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے, وحد قومی ان کو ہدایت دے دے, فانہم لا یعلمون, انہیں سمجھ نہیں ہے. اتنا بڑا ظرف, یہ بشری اور انسانی ظرف نہیں ہے, یہ الوہی ظرف ہے, یہ اللہ کا ظرف ہے. جس کو لوگ مانتے بھی نہیں, اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے. کفار مشرکین شرک کرتے ہیں, بتوں کو پوجتے ہیں, جو اللہ کو گالی دیتا ہے, جو کہتا ہے ہی نہیں کوئی اللہ, میں مانتا ہی نہیں ہوں, یہ وہم ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا, سو بت پوجتا ہے, گالی دیتا ہے, عقیدہ ہی نہیں رکھتا, اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے, وہ بیمار ہو ان کو شفا بھی دیتا ہے, ان کی ہر حاجت بھی پوری کرتا ہے, ناراض نہیں ہوتا. یہ ظرف اللہ کا ہے, یہ انسان اور بشر کا ظرف نہیں ہے. اس کیفیت میں بھی اٹھائے کہ مولا اس قوم کو معاف کر دے, ہدایت دے دے, انہیں معلوم نہیں ہے. اسی موقع پر پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر بولے, بعد میں عرض کیا, یا رسول اللہ ایک پیغمبر وہ بھی تھے حضرت نوح علیہ السلام, جب قوم نے ان کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے ہاتھ اٹھائے, قرآن میں آیا ہے, عرض کیا, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام نے فرمایا, باری تعالیٰ اس زمین پر کافروں کا ایک بچہ بھی نہ چھوڑ, کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ, انہیں تباہ و برباد کر دے, ملیا میٹ کر دے. آپ نے عرض کیا, رسول اللہ حضرت نوح نے ایسا کیا تھا, اگر آپ ہماری اس قوم کے لیے جو کفار و مشرکین تھے اگر اس طرح بد دعا کر دیتے, وہ تو نوح علیہ السلام کی دعا تھی, کفار مٹ گئے, طوفان آ گیا, طوفان میں سارے ڈوب کے برباد ہو گئے, اگر آپ ایسا کہہ دیتے تو قیامت تک ہماری کوئی نسل زندہ نہ رہتی. مگر سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کی پشت پر بوجھ رکھے گئے, آپ کے دندان مبارک توڑے گئے, آپ پر پتھر چلائے گئے, آپ پر تلواریں چلائی گئیں, آپ کو گالیاں دی گئیں, جھوٹے الزام لگائے گئے, سب کچھ ہوا, مگر آپ کی زبان سے ہمیشہ یہ نکلا, اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, میری قوم کو بخش دے, ہدایت دے, یہ بے سمجھ ہیں. آقا اتنا بڑا ظرف. اب یہاں ایک خاص نقطہ توجہ طلب ہے, بڑا اہم نقطہ, وہ یہ, یہ آقا علیہ السلام کے خلق عظیم کی ایک شکل ہے اور یہ سمجھنے والی چیز ہے. جب آقا علیہ السلام کی ذات پر حملہ ہوتا ہے, ذات پر, آقا علیہ السلام کا چہرہ زخمی ہوتا ہے, آقا علیہ السلام کے جسم کو پتھر مارے جاتے ہیں, تو آپ دعا دیتے ہیں, عرض کرتے ہیں, باری تعالیٰ اس قوم کو معاف کر دے, ہدایت دے دے. لیکن ایک دوسرا رخ ہے, دوسرا, وہ غزوہ خندق میں کفار نے آپ کو پریشان کیا, آپ کی نماز چلی گئی, قضا پڑی, ظہر بھی عصر بھی مغرب کے ساتھ قضا پڑی. جب نماز قضا پڑی تو آپ نے دعا کی, عرض کیا, اللہم املا بطونہم نارا, اے اللہ ان کے پیٹ دوزخ کی آگ سے بھر دے. اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے, مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس, باری تعالیٰ ان کی زندگیاں, گھر اور قبریں دوزخ کی آگ سے بھر دے, انہوں نے ہماری نماز نہیں پڑھنے دی. تو جب نماز میں رکاوٹ بنے,
तो आपने बद्दुआ की कि बारी ताला इनकी कब्रें भी आग से भर दे। जब आपके चेहरे अकदस पर हमला हुआ और जिस्म पर हमला हुआ, खून बहा, तो आपने बद्दुआने की दुआ की बारी ताला इनको माफ कर दे। तो मतलब ये हुआ कि आपके जिस्म मुबारक के चेहरे को जख्मी किया, तो बद्दुआ नहीं दी, दुआ की, मगर दीन का चेहरा जख्मी हुआ और वो नमाज है, तो आपने बद्दुआ दी। तो आपके अखलाक का पहलू ये था कि अपनी जात पर कोई ज्यादती करता आपकी जात के खिलाफ तो आप माफ करते। पूरी जिंदगी किसी से इंतकाम नहीं लिया, मगर दीन पर कोई ज्यादती करता या मजलूमों और कमजोरों पर ज्यादती करता, जुल्म करता, आप इंतकाम लेते, कभी माफ ना करते। ये बात समझने वाली है। अगर किसी ने आपकी जात पर हमला किया, आपके चेहरे अकदस को जख्मी किया, दगदान मुबारक शहीद किए, आपको जख्मी किया, अपनी जात का मैटर आया, तो आका अलैहिस्सलाम ने माफ फरमा दिया, माफ किया, बद्दुआ नहीं की। लेकिन दीन को जख्मी किया किसी ने, दीन को, नमाज को जख्मी किया, या किसी मजलूम और कमजोर को जख्मी किया, किसी मजलूम और कमजोर पर जुल्म किया, तो उसके लिए आका अलैहिस्सलाम ने इंतकाम लिया, उसको माफ नहीं किया। अब यहां दो एक हदीस दो चार बड़ी अहम है, तवज्जो से समझें। ये नुक्ता, गोया आपकी जात पर हमला होता तो उसको बर्दाश्त करते, तहम्मुल फरमाते, हिल्म और बुर्दबारी का, और अगर दीन पर या मजलूम और कमजोरों पर हमला होता, जुल्म होता, तो आप माफ ना करते, इंतकाम लेते। किरदार के दो रुख थे। अब एक सहाबी है जैद बिन साना, जैद बिन साना, वो इस्लाम कबूल करने से पहले बहुत बड़े यहूदी आलिम थे, बहुत बड़े यहूदी आलिम थे। तबरानी, इब्ने हिब्बान, हाकिम और बहकी रिवायत करते हैं कि जैद बिन साना ने कहा, वो जो यहूदी आलिम थे पहले, उन्होंने कहा, मैंने जब हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, आका अलैहिस्सलाम, उनके चेहरे को देखा, उनकी ज़िंदगी को देखा, तो मैंने उनके अंदर सारी अलामात नबुव्वत को पाया। हमने अपनी किताबों में पढ़ा था, तौरात में, पुरानी अंबिया की किताबों में, कि नबी की अलामतें क्या होती हैं, नबी को पहचानना हो तो खूबियां क्या होती हैं। मैंने जब हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, जब मैं यहूदी था, तो मैंने सारी सच्चे नबी की अलामतें मुस्तफ़ा की ज़ात में पाई, मगर दो अलामतें परख नहीं सका, मौका नहीं मिला, दो अलामतें नहीं परख सका, बाकी सारी अलामतें मैंने पा ली। मैं इंतज़ार में रहा कि मैं वो दो अलामतें भी देखूं कि वो भी हैं इनमें मौजूद या नहीं। फमा कद अरफ्तहु फी वजह मुहम्मदिन हीना नजरतु इलैहि इल्ला सनतैन लम अखबरहुमा, कि मैंने सारी अलामतें देख ली, दो रह गई। वो दो अलामतें कौन सी थी? फरमाया, एक ही अलामत थी अल्लाह के नबी की कि अगर दूसरा कोई उनसे जहालत से पेश आए, ज्यादती करे उसकी जात पर, तो वो बुर्दबारी और अफो दरगुजर से पेश आता है। एक ये थी, और दूसरी अलामत ये थी, जब दूसरा ज्यादती करता है, उसकी ज्यादती जितनी बढ़ती जाती है, नबी का हिल्म और बर्दाश्त उतना बढ़ता चला जाता है, बुर्दबारी उतनी बढ़ती चली जाती। कहा कि मैं ये दो अलामतें परख नहीं सका। अब मैंने फैसला किया कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ घुल मिल जाऊं, था यहूदी, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, साथ घुल मिल जाऊं, इनके साथ इंटरेक्शन करूं, मामला करूं, ताकि करीब रहकर मैं ये दो अलामतें भी देख सकूं। वो कहते हैं, इस परख के लिए मैंने उनसे बिजनेस किया, आका अलैहिस्सलाम से बिजनेस किया, खजूरें खरीदी, आका अलैहिस्सलाम के पास खजूरें थी, बाग था, खजूरें खरीदी, और खजूरों का मौसम अभी नहीं आया था, पैसे एडवांस दे दिए मैंने पैसे, और तय हुआ कि जब मौसम आएगा फलां तारीख को आप मुझे खजूरें देंगे। वो कहते हैं, जैद बिन साना, मैंने पैसे दे दिए
और तय हुआ कि फलां तारीख को जब खजूरें पक जाएंगी आप मुझे खजूरें देंगे, सौदा हो गया। वो कहते हैं कि अभी वो दिन नहीं आया था जो दिन सौदे में मुकर्रर था, वो दिन नहीं आया था, मैं उसे दो तीन दिन पहले चला गया, दो तीन दिन पहले, और मैंने जाके आपका कमीज पकड़ लिया, आपकी गर्दन पर चादर थी उस चादर को खींचा, जख्मी कर दिया और बड़ी सख्ती के साथ आपकी तरफ देखा, परखना चाहते थे, बुरे लहजे में मैंने कहा मोहम्मद वादा पूरा क्यों नहीं करते। भाई वादा पूरा क्यों नहीं हुआ, अभी तो तीन दिन रहते हैं, वो वक्त ही नहीं आया। तो कहते मैंने ऐसे ज्यादती की, वादा पूरा नहीं करते। फिर मैंने कहा अब्दुल मुत्तलिब का जो घराना है, आप ऐसे लोग हैं लोगों का हक अदा नहीं करते, वादे पे वादा करते हैं, टालते हैं। मैंने इतने सख्त बातें की नाजायज। हजरत उमर फारूक साथ खड़े थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने मुझे देखा, उसने कहा अल्लाह के दुश्मन ताजदार कायनात की शान में ऐसी जुबान बोल रहे हो, अभी तीन दिन रहते इतनी गुस्ताखी कर रहे हो। सैयदना फारूक आजम ने बात की तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा ए उमर तुम्हारा हक ये नहीं था, हम दो थे, उसने मुझे पैसे दिए थे, मैंने खजूरें देनी थी, तुम सिर्फ उसे डांट रहे हो। तुम्हारा हक था कि हम दोनों से कहते, मुझे कहते हुस्ने अदा कि अदायगी का हक अदा करो, और उसे कहते कि तकाजा अच्छे तरीके से करो, हम दोनों को यह कहना था, तुम एक फरीक को डांट रहे हो और मुझे कहा ही कुछ नहीं। ये फरमाकर फिर आपने फरमाया उमर जाओ, चूंकि तूने इससे सख्ती से बात की है उसकी वजह से जाके इसको खजूरें भी दो मेरे बाग से, और खजूरें के साथ इसको बढ़कर और ज्यादा दो, यानी इजाफा कर दो, 20 किलो खजूरें ज्यादा दो इसको, 20 किलो खजूरें ज्यादा दो। कहते हैं जब मैंने ये अमल देखा तो मैंने वहीं खड़े होकर कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। ये दो अलामतें रहती थी, सच पा ली। फिर बुखारी मुस्लिम में हजरत अनस रिवायत करते हैं, कहते हैं मैं आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जा रहा था, नजरान का बना हुआ सख्त कपड़ा, उसकी चादर आपके गले में थी, एक बद्दू आया देहात का रहने वाला, उसने देखते ही आका अलैहिस्सलाम को देखा और आपकी चादर को खींचा, आपकी गर्दन पे जख्म हो गया, और जख्म हो के इतना जोर से खींचा, और उसने कहा या मोहम्मद मुरली मिन मालिल्लाह अल्लज़ी इंदक, ए मोहम्मद जो अल्लाह का माल है तुम्हारे पास मुझे उसमें से दो। चादर खींची, गर्दन जख्मी कर दी, आराम से बात नहीं की, का माल दो। आका अलैहिस्सलाम ने मुड़ के उसकी तरफ देखा और मुस्करा पड़े, फरमाया लोगों को जाके जो जो इसकी जरूरत है इसकी झोली भर दो, दे दो। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, हम आका अलैहिस्सलाम के साथ हैं, आका खड़े थे, एक और बद्दू आया गरीब था, उस बद्दू के दो ऊंट थे, दो ऊंट, भूखा था, उसने आपकी चादर खींची, आपको जख्मी कर दिया गर्दन से, आप उसकी तरफ मुड़े, पूछे क्या माजरा है, उसने कहा मेरे दोनों ऊंट खाने पीने के सामान से लाद के मुझे दो, खाना पीना चाहिए, खजूरें चाहिए, गंदम चाहिए, मेरे दो ऊंट लाद दे। आका अलैहिस्सलाम खामोश हुए, और फिर रिवायत बहकी में है, फिर उसने कहा मैं जो मांग रहा हूं अल्लाह के माल से मांग रहा हूं, न तुम्हारे माल से मांग रहा हूं, न तुम्हारे बाप के मांग से मांग रहा हूं। बद्दू कहता है न तुम्हारे माल से ले रहा हूं, न तुम्हारे बाप के माल से, अल्लाह का माल है जो तुम्हारे पास है, मेरे ऊंट भर दो उस माल से। आका अलैहिस्सलाम मुस्करा पड़े और मुस्करा के फरमाए अल माल व मालुल्लाह व अना अब्दु, माल अल्लाह का ही है, मैं उसका गुलाम हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अराबी जो तूने मेरे साथ किया है क्या इसका बदला लूं, पूछा इसका बदला लूं, उसने कहा नहीं ना लें। फरमाया क्यों ना लूं, उसने कहा इसलिए कि आप बदला लेने वाले नहीं हैं, आप माफ करने वाले हैं। आप मुस्करा पड़े, हुक्म दिया इसके दोनों ऊंट ले लो, एक ऊंट खजूरों से भर दो और एक गंदम से। यानी आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अकदस के अखलाक का आलम यह है, अखलाक का,
कि उनकी जात पर किसी ने हमला किया, अजियत दी है, तकलीफ दी है। आका अलैहिस्सलाम ने पूरी उम्र मुबारक में उस शख्स से इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया, सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया, ज्यादती का जवाब ज्यादती से नहीं दिया, हमेशा आपको दरगुजर माफ कर दिया। मगर उसके बरक्स अगर किसी ने किसी कमजोर के साथ जुल्म किया, बड़ा अहम और आखिरी हिस्सा रहा है, तवज्जो से बात को समझें, किसी कमजोर और मजलूम पे किसी ताकतवर ने जुल्म किया, तो अल्लाह की इज्जत की कसम आकर सलाम रहमतुल्लिल आलमीन होकर भी मजलूम पर जुल्म करने वाले को कभी माफ नहीं किया, उससे इंतकाम लिया। और याद रख लें, ये जो फतह मक्का हुआ है, फतह मक्का ये कोई जंग नहीं हुई थी, ये भी आका अलैहिस्सलाम मजलूमों की मदद करने के लिए निकले थे, मजलूमों की मदद के नतीजे में मक्का फतह हो गया। सुलह हुदैबिया में एक शिक थी कि जो जिसका अलाई बनना चाहे उसके साथ अलायंस कर ले, तो एक कबीला था बनू बकर, उसने कुरैश मक्का यानी मुशरिकीन का अलायंस ले लिया कि मैं उनका अलायंस लेता हूं, और एक और कबीला था खुजाअ, उसने कहा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर अलैहिस्सलाम के अलायंस में आते हैं, वो कबीला हुजूर के अलायंस में आ गया। सुलह हुदैबिया में तय पाया था कि अहले मदीना में से हम भी और मक्का के मुशरिकीन, हमारे अलाइज में से भी किसी पर कत्ल करना और जुल्म करने का अमल नहीं करेंगे, आपस में भी जंग नहीं करेंगे, एक दूसरे के अलाइज पर, एक दूसरे के साथ जिनका अलायंस और इत्तेहाद है उनके साथ भी जुल्म नहीं करेंगे। ये तय था 10 साल के लिए, 10 साल के लिए। मगर हुआ क्या, 22 महीने गुजरे थे तो कुरैश मक्का ने हुजूर अलैहिस्सलाम के अलाइज कबीला खुजाअ उन पर जुल्म कर दिया। 2 कबीलों की लड़ाई हुई, कुरैश उसमें इन्वॉल्व हुए, उनको मारा, उनको कत्ल किया, 20 अफराद बनू खुजाअ के कत्ल कर दिए कुरैश मक्का ने, 20 अफराद कत्ल कर दिए, बाकी लोगों को घसीटा। अब ये जो मंजर बता रहा हूं, थोड़ा सा 17 जून मॉरल टाउन का मंजर भी आंखों के सामने रख लें, 20 अफराद बेगुनाह बनु खुजा के कुरैश मक्का ने कत्ल किए, बाकी लोगों को घसीट के कैदी बना के ले गए, जुल्म किया मजलूमों पर, कमजोरों पर, बेगुनाह लोगों पर नाजायज जुल्म किया, और उनका अलायंस था आका अलैहिस्सलाम के साथ, हुजूर पाबंद थे वादा के मुताबिक, मुआहदा के मुताबिक उनकी मदद करने के। वो जो खुजा के लोग थे उन्होंने मार्च किया मदीना की तरफ, लॉन्ग मार्च किया खुजा के लोगों ने। इब्न जरीर तबरी ने इसको बयान किया, इमाम इब्न हिशाम ने बयान किया, वाकदी ने बयान किया, इब्न इसहाक ने बयान किया, इब्न साद ने बयान किया तबकात में, 40 सवार घोड़ों पर ऊंटों पर 40 बनु खुजा के लोग मार्च करके मदीना गए 40 सवारियों पर सवार, और मदीना जाके उन्होंने जो उनके साथ जुल्म हुआ था उनके कबीले के साथ, उनके लोग कत्ल हुए, लाशें गिरी, कैदी बनाए गए, ये दास्तान सुनाई और कहा या रसूल अल्लाह हम आपकी मदद की भीख मांगने आए हैं, हम मजलूम हैं, हम कमजोर हैं, हम बेकस मजबूर हैं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं, कुरैश ताकतवर हैं, मक्का के हुक्मरान हैं, वो हुकूमत है, हुक्मरान हैं, उन्होंने जुल्म किया है, हमारी मदद के लिए आपके सिवा कोई नहीं। अम्र बिन सालिम अल खुजाई की क़ियादत में 40 सवारों का, घुड़सवारों का पूरा मार्च करके लोग आए, आकर सलाम ने उनकी बात सुनी और बात सुन के खड़े हो गए। फकामा, वो रसूल जो सारी जिंदगी हर एक को माफ करता है, जो आपकी गर्दन जख्मी करता है उसे भी माफ करता है, जो आपके दांत मुबारक तोड़ता है उसे भी माफ़ करता है, जो आपके चेहरे से खून बहाता है उसको भी माफ़ करता है, जो पत्थरों से लहूलुहान करता है नबी उसको भी माफ़ करता है, जो वतन छुड़ा देता है उसको भी माफ़ करता है, उम्र भर माफी देते रहे हैं। मगर अब मजलूम आए हैं जिन्हें नाजायज कत्ल किया गया है, कैदी बनाया गया है, उनका आका मदद कीजिए, आप खड़े हो गए, आपने कहा ला नुसर तो इन लम अंसुर बनी काबिन मिम्मा अंसुर मिन्हु नफसी, फरमाया खुदा की कसम
मेरी मदद अल्लाह ना करे अगर मैं मजलूमों की मदद ना करूं। आप खड़े हो गए, फरमाया अगर मैं मजलूमों की मदद ना करूं जिनकी लाशें गिरी हैं, जिनको मारा कत्ल किया गया, जिन्हें कैदी बनाया गया, कमजोर मुस्तदफीन फोकरा मसाकीन बेबस, अगर मैं इनकी मदद न करूं तो अल्लाह मेरी मदद नहीं करेगा। आप खड़े हो गए, इतने में बादल आ गया। आपने बादल देख के फरमाया ए अम्र बिन सालिम खुजाई, ये बादल अल्लाह की मदद का पैगाम लेके आया है। अंदर गए, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं आपने गुस्ल किया और मैंने अपने कानों से सुना, गुस्ल करके वुजू फरमा रहे थे, एक एक पानी का कतरा जो आप जिस्म पर गिराते मैं सुन रही थी, वहुवा यसुब्बुल मा अलै, अपने ऊपर पानी गिराते और साथ हर हर सेकंड में कहते थे ला नुसिर तो इन लम अंसुर बनी काब, अगर मैं बनू काब के मजलूमों की मदद न करूं तो अल्लाह मेरी मदद नहीं करेगा। पानी गिराते साथ कहते मजलूमों की मदद न करूं अल्लाह मेरी मदद नहीं करेगा, ये कहते रहे। और कहने के बाद अबू याला रिवायत करते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं खुदा की कसम मैंने सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम को इतना गजबनाक नहीं देखा था, इतना गुस्से और जलाल में नहीं देखा था जितना उस दिन देखा जब मजलूम मार्च करके आए थे मुस्तफा की बारगाह में लाशों के बाद, आपको मैंने जलाल में देखा। फरमाया आप कहते थे ला नसरनी अल्लाह तआला इल्ला मंसूर बनी काब, अल्लाह मेरी मदद कभी नहीं करेगा और कभी ना करे अगर मजलूमों की मदद ना करूं। ये करके आकर इस्लाम निकले और हुक्म दिया कि तुम जाओ और सहाबा को कहा चलो मजलूमों की मदद का वक्त है, उनकी नाजायज लाशें गिराई गई हैं, उन्हें कैदी बनाया गया है, ताकतवरों ने जुल्म किया है कमजोरों पर, हुक्मरानों ने जुल्म किया है रियाया पर और उनका कोई मददगार नहीं, चलो मदद के लिए। आका इस्लाम काफिला लेके चले, मक्का पहुंचे, बगैर जंग के मक्का फतह हो गया। तो मजलूमों की मदद के लिए जो कदम उठे थे उसने मक्का फतह करवा दिया। यह आका इस्लाम के अखलाक और किरदार का आलम है, इसलिए याद रख ले मजलूमों की मदद के लिए उठना सबसे बड़ा अमल और मुस्तफा के किरदार की सुन्नत है। मैं ये समझता हूं कि आज नाअहल साहब के साथ जो कुछ हुआ है, ये तो एक भाई नाअहल हुआ है, इसके दूसरे भाई को भी नाअहल होना है और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दोनों को जेल में जाना है, इनके सारे खानदान का मुल्की इक्तदार और सियासत की तारीख से खात्मा होना है। तुमने जो कुछ 17 जून 2014 में मजलूमों के साथ किया था अल्लाह उसका इंतकाम लेने वाला है, अल्लाह का इंतकाम शुरू हो चुका है। ये जो पनामा में आपकी जिल्लत हुई, तारीख में किसी हुक्मरान की और हुक्मरान के खानदान की इतनी जिल्लत नहीं हुई थी। आप पाकिस्तान के अंदर या लंदन बाहर गली कूचे बाजार में चलने के काबिल नहीं रहे, आप चले या आपका कोई बेटा चले लोग मुंह के सामने खड़े होकर गालियां देते हैं, आपको चोर चोर कहते हैं और आपके घर वालों की बेइज्जती, औलाद की बेइज्जती, खानदान की बेइज्जती, जो फौत हो गए उनकी बेइज्जती, इतनी जिल्लत किसी की नहीं हुई। क्यों? आपने बेगुनाहों पर जुल्म किया था, मॉडल टाउन में खून बहाया था, उन मॉडल टाउन के मजलूमों ने सब्र किया, तुम्हारे पैसों पर लात मारी, सब्र किया, तुमने बाकर नजवी की रिपोर्ट भी छपने नहीं दी, मालूम नहीं होने दिया कि कातिल कौन था, कत्ल का मंसूबा साज कौन था, वो वक्त भी आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी गिरफ्त की, अब शायद आप बाहर किसी और दोस्त मुल्क में सेटल होने का एग्रीमेंट करते फिरते हो, शायद अपनी जायदादें बचाने के लिए मामला करते फिरते हो। मैं रियासत को आगाह करना चाहता हूं और रियासती इदारों को आगाह करना चाहता हूं कि मुझे एक अंदेशा है, डर है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दोस्त मुल्क से बातचीत करके अपनी जायदादें पैसे वहां इन्वेस्ट कर दें और वहां सेटल हो जाएं और कल को आप
किसी दूसरे मुल्क के कानून की वजह से मुदाखलत भी ना कर सकें। वक्त आने से पहले इनका तदारुक करना होगा, इनका मुआखजा करना होगा। और जो अमल मुआखजे का शुरू हुआ है, अगर ये रास्ते में छोड़ दिया गया तो मुआखजा करने वालों को भी तारीख माफ नहीं करेगी। जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। वो तो मॉडल टाउन में 14 शहीद हुए, यहां 20 करोड़ लोगों का हक शहीद है। हर शख्स मजलूम है, इज्जत महफूज नहीं, जान महफूज नहीं, माल महफूज नहीं, कारोबार महफूज नहीं, लूट मार है, हराम खोरी है, अंधेर नगरी है, आइन तबाह है, कानून तबाह, अदालतें बर्बाद, इदारे बर्बाद, पुलिस बर्बाद, हर इदारा इन यजीदों, फिरौनों और कारूनों की गिरफ्त में है। अल्लाह ने मुआखजा शुरू किया है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंशाअल्लाह मजलूमों के ऊपर किया हुआ जुल्म आपके इबरतनाक खात्मे तक आपको पहुंचाएगा और इस कौम को निजात मिलेगी। और मजलूमों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ा अखलाक और सबसे बड़ी सुन्नत मुस्तफ़ा है। मुबारकबाद है तहरीक मिनाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों के लिए और उन शहीदों के वारसों के लिए और उन ख़ानदानों के लिए जो सब्र और इस्तेकामत का पहाड़ बन के खड़े हैं और मेरे कंधों से कंधा मिला के खड़े हैं। इंशाअल्लाह इंतकाम अल्लाह की तरफ से इनका होगा। दुनिया की कोई ताकत इनको बचने का रास्ता नहीं दे सकती। अल्लाह का मुआखजा बड़ा शदीद है, इन्ना बादशाह रब्बे का शदीद, अल्लाह की गिरफ्त और पकड़ बड़ी शदीद है। ये उसमें आ चुके हैं, छूटेंगे नहीं। आप अपना सफ़र जारी रखें इश्क मुस्तफ़ा के साथ, ईमान कामिल के साथ, यकीन और इस्तिकामत के साथ, ख़त्म नबुव्वत की मोहब्बत के साथ, हुजूर की ग़ुलामी के साथ। बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। इंशाअल्लाह फतह आपका मुकद्दर है। मजलूम फतह याब होंगे और जालिम जिल्लत और रुसवाई का निशान बनेंगे। आखिर पे आप सबको मिलाद पाक के इस अजीम इज्तिमा पर और ताजदार ख़त्म नबूवत की अजीम कॉन्फ्रेंस के मौका पर और इस इंतज़ाम पर फिर समीम कल्ब से मुबारकबाद देता हूँ और इख्तिताम कर रहा हूँ। और खड़े हो जाइए, आखिर वक्त है। पिछली रात का आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक पर सलाम पढ़ें और मोहब्बतों के साथ, कैफ और सुरूर के साथ सलात व सलाम के हदीये हुजूर की बारगाह में पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग।